हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी बीडी और एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। और पहला प्रैक्टिस सेट हम इसमें देखेंगे, ठीक है। मॉडल प्रैक्टिस सेट होगा जो कि जीएस का होगा। पूरे 50 क्वेश्चन हैं और एक एक क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले करके, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अगर हम इसमें बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, तो दिया गया मनुस्मृति विशेष रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना, ठीक है। तो मनुस्मृति जो है विशेष रूप से संबंधित होता है कानून से संबंधित है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा जो है आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य जो धर्म था, आर्यों का धर्म था वो मुख्य तौर पर क्या था, ठीक है। प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का जो धर्म था वो मुख्य तौर पर क्या था, भक्ति था या फिर छवियों का पूजन एवं यज्ञ था, या फिर प्रकृति पूजन एवं यज्ञ था, या फिर प्रकृति पूजन एवं भक्ति था। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो जो आर्य वैदिक कालीन के आर्य थे उनका जो मुख्य धर्म जो था वो मुख्य रूप से प्रकृति का पूजन करते थे और यज्ञ का हवन करते थे। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा प्रकृति का पूजन एवं यज्ञ, ठीक है। राइट आंसर से क्या हो जाएगा, प्रकृति का पूजन एवं। वैदिक काल की अगर हम बात करें तो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला होता है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो यह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जो है ऋग्वैदिक काल को कहा जाता है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत दूसरा जो वैदिक काल है उसको हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। इसके बाद का जो वैदिक काल है उसको हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं और ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक काल को माना जाता है। तो ये दो वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड करते हैं। अब इसमें आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता है उसको वैदिक सभ्यता कहा गया और इनकी भाषा जो थी आर्यों की वो क्या थी, तो संस्कृत भाषा थी, ठीक है। ये लोग जो है आर्य लोग प्रकृति का पूजन करते थे एवं यज्ञ करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बातें होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व विश्व का सर्व प्रथम गणराज्य कहाँ स्थित है, ठीक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बताना विश्व का सर्वप्रथम गणराज्य जो था वो कहाँ पर स्थित था, इसमें से वैशाली, एथेंस, स्पार्टा या फिर पाटलिपुत्र। तो जो विश्व का सर्वप्रथम गणराज्य बना था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो वो था वैशाली। अपना आंसर इसका बी ए सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये अगर हम बात करें तो बुद्ध के जन्म के पूर्व था ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। भारत के अगर बात करें तो भारत उसमें 16 महाजनपद में बटा हुआ था, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये जानकारी प्राप्त होती है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ का है, तो वहाँ से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि 16 महाजनपदों में अपना भारत जो है बना हुआ था, बटा हुआ था। और इसमें अगर हम बात करें तो जो वैशाली थी ये वज्र महाजनपद की जो है राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। वज्र महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी वैशाली या फिर विदेह या फिर मिथिला इसको कहते हैं। तो ये चीज़ें वैशाली के बारे में याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है वैशाली में विश्व के सर्वप्रथम गणराज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। अभी पूछा गया कि सर्वप्रथम गणराज्य कौन था विश्व का, तो वो था वैशाली। अब पूछा गया कि वैशाली में विश्व के सर्वप्रथम गणराज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया था जो है लिच्छवी गणराज्य के द्वारा। लिच्छवी साम्राज्य ने किया था, ठीक है, लिच्छवी राज के द्वारा। तो आंसर इसका हो जाएगा लिच्छवी, ठीक है। जैसे मौर्य वंश, गुप्त वंश, उसे लिच्छवी वंश के द्वारा सर्वप्रथम गणराज्य की स्थापना वैशाली में किया गया था। तो आंसर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्न में से कौन सा राजवंश जो है सत्तासीन था। तो सिकंदर के आक्रमण के समय अगर हम बात करेंगे इसके आंसर की, तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, नंद वंश। नंद वंश जो था वो सिकंदर के आक्रमण के समय जो भारत पर शासक था, कर रहा था शासन, नंद वंश के स्थापक कौन थे, तो संस्थापक था महापद्म नंद। उनका नाम क्या था, महापद्म नंद। महापद्म नंद जो है इन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी, ठीक है, 345 ईसा पूर्व में। 345 ईसा पूर्व में इन्होंने स्थापना किया था। और इन्होंने जो है इसके पहले शिशुनाग वंश था उसके अंतिम राजा नंदवर्धन को इन्होंने हत्या करके नंदवंश की स्थापना किया था, ठीक है। और नंदवंश का अंतिम जो राजा था वो उसका क्या नाम था, घनानंद। घनानंद था नंदवंश का अंतिम राजा। और इसको मौर्य वंश
अगर हम बात करेंगे तो स्थापना हुई थी इसके बाद चंद्रगुप्त ने इसको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। घनानंद ही जो था वो उसने चाणक्य का क्या बेइज्जती किया था, तो इसके अलावा चाणक्य ने बदला लिया था इसको हरा कर हरवा कर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी दो नदियों के बीच तक्षशिला का प्राचीन शहर स्थित है था, मतलब तक्षशिला का जो प्राचीन शहर है या था अभी तो जर्जर अवस्था में, तो ये किन दो नदियों के मध्य स्थित था, किन दो नदियों के बीच स्थित था ये बताना है। तो ये था सिंधु और झेलम नदियों के बीच, ठीक है। अभी तक्षशिला पड़ता है पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास, तो सिंधु एवं झेलम नदी के बीच तक्षशिला का प्राचीन शहर स्थित था। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम श्वास यानी उसको कहा गया महापरिनिर्वाण, ये कहाँ पर लिया था, ठीक है। अंतिम श्वास यानी कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी ये बताना, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया था। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु की अगर हम बात करेंगे तो कुशीनारा कुशीनगर में हुआ था। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब भगवान बुद्ध की बात चली है तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने जब गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में, तो उस गृह त्याग को कहा गया था महाभी निष्क्रमण कहा गया। जब इन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में, तो उसको महाभी निष्क्रमण कहा गया था। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, और उसको कहा गया था धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था, ठीक है। इसके अलावा मृत हुआ कुशीनगर को कुशीनारा में महापरिनिर्वाण कहा गया, और कब मृत हुई थी 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा चार पार्ट और याद रखिएगा इसमें, बौद्ध सभाएं जिससे कि क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बौद्ध सभाओं की अगर हम बात करेंगे तो प्रथम बौद्ध संगीत जो हुआ था, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके अलावा ये किस स्थान पर हुआ था, तो ये राजगृह में हुआ था, ठीक है। राजगृह की बात करें इसके बाद इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये अध्यक्ष उस समय कौन बनाए गए थे, तो महाकश्यप अध्यक्ष बने थे। और उसमें शासन किसका था, तो अजातशत्रु का शासन था। अजातशत्रु के शासन के समय पहला जो है बौद्ध संगीत हुआ था, ये चीज़ें होगी। दूसरा बौद्ध संगीत याद रखिएगा, दूसरा बौद्ध संगीत कब हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व यानी कि 100 साल बाद हुआ, 383 ईसा पूर्व में हुआ। और उस समय ये कहाँ पर हुआ, तो ये वैशाली में हुआ, ठीक है। वैशाली जिसकी अभी ऊपर बात की गई, वैशाली में हुआ। और इसमें जो है इस अध्यक्ष के कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे सभा कामी, उनका नाम था सभा कामी, इसके अध्यक्ष थे। और उस समय जो राजा था शासक जो था वो था कालाशोक, ठीक है। कालाशोक के शासनकाल में जो है दूसरा बौद्ध संगीत आयोजित कराया गया। इसके बाद तीसरा बौद्ध संगीत कब हुआ, तो तीसरा बौद्ध संगीत हुआ 250 ईसा पूर्व, कब हुआ 250 ईसा पूर्व, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ, तो ये पाटलपुत्र में हुआ था, पाटलपुत्र में तीसरा बौद्ध संगीत हुआ था। अध्यक्ष बनाए गए थे मोगलपुत्तिस, ठीक है। उनका नाम क्या था, मोगलपुत्तिस उनका नाम था जो अध्यक्ष बने थे। शासन था अशोक का, अशोक के शासनकाल में जो है तीसरा बौद्ध संगीत करवाया गया था। फिर चौथा जो हुआ था, चौथा बौद्ध संगीत कब हुआ, तो ये 98 ईस्वी में हुआ, 98 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 98 ईस्वी में हुआ था कुंडलवन कहाँ पर था, कश्मीर के पास, कश्मीर को ही कुंडलवन कहते हैं। तो कुंडलवन में चौथा बौद्ध संगीत हुआ था। उस समय इसके अध्यक्ष बने थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष बनाया गया था अश्वघोष को, ठीक है। अश्वघोष चौथे बौद्ध संगीत में उपाध्यक्ष रहे थे। और किसके शासनकाल में, तो कनिष्का के शासनकाल में, ठीक है। कनिष्का के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगीत हुआ था। और इसी चौथे बौद्ध संगीत में जो है बौद्ध धर्म दो यान में बट गया था, हीनयान और महायान, ठीक है। चौथे जो संगीत हुई थी बौद्ध संगीत, उसी में दो यान मतलब हीनयान और महायान दो संप्रदाय में जो है बौद्ध धर्म बट गया था। तो ये भी याद रखिएगा, पूछ लिया था, तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करेंगे तो ये बिहार राज्य में स्थित है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, बिहार राज्य, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय जो है बनवाया था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रारंभिक काल का बौद्ध धर्म साहित्य जैन धर्म साहित्य किस भाषा में लिखा गया था।
प्रारंभिक काल का जैन धर्म साहित्य जो था वो अर्ध मागधी भाषा में लिखा गया था। आंसर इसका राइट ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक की अगर हम बात करेंगे तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे, संस्थापक थे प्रथम तीर्थंकर, उनका नाम क्या था, ऋषभ देव। उनका नाम क्या था, ऋषभ देव। ठीक है, ये प्रथम तीर्थंकर थे और इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। इसके अलावा 23वें तीर्थंकर की नाम याद रखिएगा, पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ। और 24वां और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिसके बारे में क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में, तो ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, और सम्यक दर्शन, अगर हम जैन धर्म के दर्शन की बात करें तो त्रिरत्न पाया जाता है। ठीक है, त्रिरत्न, त्रिरत्न की बात करें तो कौन कौन सी बातें कहेंगे, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये तीन रत्न जो है पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित, जैन धर्म से संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में, जैन धर्म को बौद्ध धर्म से, जैन धर्म को बौद्ध धर्म से पृथक करने वाला सिद्धांत इसमें से कौन सा, ये बताना। ठीक है, जैन धर्म को बौद्ध धर्म से पृथक करने वाला सिद्धांत कौन सा है इसमें, तो जैन धर्म को बौद्ध धर्म से पृथक करने वाला सिद्धांत जो है वो होता है सभी प्राणियों एवं वस्तुओं के साथ एक ही आत्मा को संबद्ध किया जाना, जो कि ये अलग करता है दोनों धर्मों को, दोनों में अलग अलग बातें इसके तहत मानी गई हैं। ठीक है, बाकी अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास ये दोनों धर्म में है, वेदों की अचूक होने की स्वीकारता ये भी दोनों धर्म है, पुनर्जन्म विश्वास दोनों धर्म के अंतर्गत है, लेकिन ये सी पार्ट जो है इसमें दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं। ठीक है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा पला पढ़ा जो बौद्ध धर्म हुआ, तो वो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, सारनाथ और इसके अलावा श्रावस्ती, तो ये सब जो है बौद्ध धर्म पर्यटक स्थल हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, बौद्ध धर्म का पालना हम लोग उत्तर प्रदेश को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो मणिपुर राज्य की सीमाएं किन राज्यों के समूहों से लगी हुई हैं। तो मणिपुर राज्य की सीमा जो है वो नागालैंड, असम और मिजोरम, तीन राज्यों की सीमाओं से लगी हुई है मणिपुर राज्य की सीमा। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, मणिपुर राज्य की सीमा तीन राज्यों से लगी हुई है, नागालैंड, असम और मिजोरम। अगला प्रश्न है, सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे कम क्षेत्रफल वाला तो वो हो जाएगा भूटान। ठीक है, क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो भूटान का क्षेत्रफल जो है सबसे कम है, इसका 38,394 वर्ग किलोमीटर आता है। इसके बाद नेपाल की बात करेंगे, नेपाल का क्षेत्रफल 147,181 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका का है 65,610 किलो वर्ग किलोमीटर। बांग्लादेश की बात करें तो 148,760 वर्ग किलोमीटर आता है। लेकिन अब इसमें कम क्षेत्रफल वाला सीमाओं वालों की अगर हम बात करेंगे तो सबसे कम सीमा क्षेत्रफल की अगर इसमें बात करें तो भी भूटान ही नंबर आएगा। भूटान 699 किलोमीटर जो है सीमा रेखा बनाती है भारत के साथ, नेपाल सीमा रेखा बनाता है भारत के साथ 1751 किलोमीटर। ठीक है, और श्रीलंका का सीमा रेखा मिलता नहीं है स्थलीय वाला। बांग्लादेश की बात करें तो सबसे बड़ी सीमा रेखा बनाता है भारत के साथ, 4096 किलोमीटर। और सबसे कम अगर सीमा रेखा की बात करेंगे तो अफगानिस्तान के साथ भारत का बनता है 106 किलोमीटर। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ कितना, 106 किलोमीटर जो है सीमा रेखा बनता है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें आंसर बी दिया था जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की अनुमानित लंबाई कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन है भारत की तटरेखा की अनुमानित लंबाई कितनी है। तो तटीय रेखा की अनुमानित लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 7,000 किलोमीटर। लेकिन अगर एक्चुअल लंबाई देखेंगे तो 7,516.6 किलोमीटर आता है लूसन के अनुसार। और स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करेंगे, तटीय सीमा है और स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर की लंबाई। ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मैकाल पर्वतों में स्थित अमरकंटक पठार से किस नदी का उद्गम होता है। अब मैकाल पर्वतों में स्थित अमरकंटक पठार से अगर हम देखेंगे तो अमरकंटक की पहाड़ियों से इसमें से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नर्मदा नदी की टोटल लंबाई कितना है, 1312 मीटर, 13 मीटर इस तरीके से याद रखिएगा, सॉरी मीटर नहीं, ये किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर जो है नर्मदा नदी की लंबाई है। और ये खम्भात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कहाँ पर गिरती है, ये पश्चिम क्षेत्र में गिरती है। ठीक है, पश्चिम क्षेत्र में इस साइड में गिरती है, खम्भात की खाड़ी यहाँ पर हो गया, तो खम्भात की खाड़ी गिरती है मुंबई के पास। और इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी,
और यही नर्मदा नदी पर जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, धुआंधार जलप्रपात भी इसी पर स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य का भू क्षेत्रफल सबसे छोटा है इसमें से? तो इसमें से सबसे छोटा भू क्षेत्रफल वाला राज्य की बात करें तो वो गोवा हो जाएगा। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा कहाँ स्थित है? कंचनजंगा की अगर हम बात करेंगे तो कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में स्थित है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के शीत मरुस्थल के क्षेत्र का नाम क्या है? तो शीत मरुस्थल या ठंडा मरुस्थल, मरुस्थल की बात करेंगे तो ये लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख शीत जो है मरुस्थल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान की अगर हम बात करेंगे तो वह है मासिनराम। ठीक है, मासिनराम कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। ये सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर होता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, मासिनराम मेघालय। ठीक है, मासिनराम मेघालय हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, तो दिया गया है सह्याद्री का नाम का संबंध जो है किस से जुड़ा हुआ है? इसमें से सह्याद्री किसको कहते हैं? तो सह्याद्री की अगर हम बात करेंगे तो ये कहा जाता है पश्चिम घाट को भी। ठीक है, तो पश्चिम घाट को जो है भारत का जो पश्चिमी तट पर स्थित है पर्वत श्रृंखला, उसको पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल से होते हुए कन्याकुमारी में जाके ये समाप्त होता है। तो इतना ये होता है पश्चिमी घाट, जिसको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा रेखा है? तो इसको अभी मैंने बताया, ऊपर बी ऑप्शन हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ। 4096 किलोमीटर सीमा है भारत के साथ इसका सीमा रेखा लंबाई। ठीक है, और सबसे कम है 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई 106 किलोमीटर, तो सबसे कम हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ, सबसे ज़्यादा हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? दादरा नगर हवेली ये होता है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप भी है, पुडुचेरी भी है, लेकिन नागालैंड एक राज्य है। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? आंसर आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा? इनमें से ऑप्शन देखो इस तरीके से दिया गया है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बताना है कौन सा। तो इनमें से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? इनमें से बताना है, तो इनमें अगर सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य की बात करेंगे पूरे ओवरऑल में, तो गोवा हो जाएगा। इनमें से सबसे छोटा आता है तमिलनाडु का नंबर। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य देखेंगे तो राजस्थान है। सर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश का अगर हम देखेंगे तो पहला स्थान आता है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, भारत के पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेवराय पर्वत, महेंद्रगिरी, जवाड़ी पर्वत या नहीं? पूर्वी घाटों की बात कर रहे हैं, यानी कि उड़ीसा के तट से, उड़ीसा शुरुआत होकर इधर आंध्र प्रदेश होते तमिलनाडु तक जो आता है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो आंसर इसमें देखिए, अगर पूर्वी घाट की बात करेंगे तो सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे पूर्वी घाट में, तो वो होता है झिंडागढ़ा नाम उसका। ठीक है, क्या नाम है? झिंडागढ़ा जो है ये सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी क्षेत्र की, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है झिंडागढ़ा। तो आंसर इसका झिंडागढ़ा होगा, और ये कहाँ पड़ता है? विशाखापत्तनम जिले में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बाकी इसमें अगर जो दिया गया है अनाईमुड़ी जो है ये पश्चिमी घाट की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, और ये केरल राज्य में पड़ता है। ठीक है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो कि केरल राज्य में पड़ता है। तो आंसर इसमें झिंडागढ़ा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था, इसमें ऑप्शन डी माना गया जो कि गलत है। अनाईमुड़ी जो है वो पश्चिमी घाट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू नामक पर्वतीय स्थल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? माउंट आबू पर्वतीय नामक जो पर्वतीय स्थल है ये किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी में जो है माउंट आबू पड़ता है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरशिखर। ठीक है, गुरशिखर है कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अरावली। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, तो दिया गया है भारतीय प्रायद्वीप की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की अगर हम बात करें, यानी कि दक्षिण भारत की अगर बात कर रहा है यहाँ पे, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी में आएगा जो है अनाईमुड़ी। ठीक है, जो कि केरल राज्य में पड़ता है, केरल राज्य में पश्चिमी घाट पर। तो ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी की अगर हम बात करेंगे तो ये किस राज्य में स्थित है बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेलांग घाटी जो है स्थित है ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो आंसर इसका सी सॉरी डी ऑप्शन हो जाएगा, नेलांग घाटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी चट्टान प्रणाली नवीनतम है? नवीनतम चट्टान चट्टान जो प्रणाली है इसमें से कौन सी है? तो वो हो जाएगा गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना सबसे नवीनतम प्रणाली है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है टोटल? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या की बात करेंगे तो 28 राज्य है टोटल इसमें वर्तमान में, 8 केंद्र शासित है, तो आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 28 और 8। पीर पंजाल श्रृंखला हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो पीर पंजाल श्रृंखला की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पीर पंजाल श्रृंखला जो है ये पड़ता है लघु या मध्य हिमालय में स्थित है। ठीक है, लघु या मध्य हिमालय, तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, इसके अंतर्गत और नागटिब्बा और धौलाधर श्रेणी भी आता है और पीर पंजाल श्रेणी भी आता है, तो तीन श्रेणियाँ जो है लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत आती हैं, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें ए दिया था जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में इनमें से किसका सबसे गहन प्रभाव रहा है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गहन प्रभाव की अगर हम बात करेंगे तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है, जिससे सीधे सीधे बहुत सारी चीज़ें ले ली गई हैं। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो दिया गया है कि भारत शासन के एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को शामिल किए जाने का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह किया गया था 1861 का नियम आया था, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तो उसके तहत किया गया था, तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी पॉलिटी से है, इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देश प्रलेख को 1950 के भारत के संविधान में किस रूप में जो है सम्मिलित किया गया है? तो इसमें इसका आंसर क्या जाएगा, तो ये आपातकालीन प्रावधान में सम्मिलित किया गया है, आंसर इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत के औपनिवेशिक काल में संदर्भ में अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकारी व्यापार का समापन किस कानून द्वारा किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार जो है व्यापार का समापन जो है ये किया गया था 1813 के चार्टर के अधिनियम के द्वारा, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 1813 के चार्टर का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के दो स्वतंत्र राज्यों को इनमें से किसके द्वारा गठित किया गया था? तो ऑप्शन इस तरीके से कुछ है, ये इसमें से किसके द्वारा भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्यों को जो है गठित किया गया था, दो स्वतंत्र राज्यों को, तो यह हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम पृथ्वी सम्मेलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो सर्वप्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ये कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में। ठीक है, तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन यहीं पर हुआ था 1992 में, 1992 में प्रथम शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन यानी कि ये लेटेस्ट डाटा बता रहा 2023 का, तो ये हुआ है इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर कहाँ पड़ता है? एमपी मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर जो भी अभी लेटेस्ट डाटा में बना है वो भी इंदौर ही है, तो यहाँ पर जो है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है हुआ। अगर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने हैं, करंट अफेयर्स के टॉपिक, तो मैंने कराया हुआ घटना चक्र पॉइंटर जीएस के संबंधित और करंट अफेयर संबंधित, जो कि आप जाइएगा मैं उसका जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया गया है वाराणसी से, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, वाराणसी से चीज़ें की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस ब्लॉक में खनन को मंजूरी प्रदान किया गया? ठीक है, तो ये प्रदान किया गया है मंदार पर्वत है स्थित है, तो यहाँ पर जो है बिहार में जो है खनन को यहाँ पर मंजूरी प्रदान किया दिया गया है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन में तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन है? तो सीमा सड़क संगठन में तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर की अगर हम बात करें तो उसका नाम है सुरभि जखमोला। ठीक है, सुरभि जखमोला जो है वो बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर बन गई हैं, आंसर ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट वाला देश कौन सा है? तो वो है, आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, जापान। जापान सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट पे नाम पर जो पहले स्थान पर आता है। और इसमें अगर हम भारत की रैंक देखेंगे तो 85वीं रैंक है, ठीक है। भारत की रैंक कितनी है? 85वीं रैंक 2023 में। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भाजपा नेता का निधन हो गया। किस भाजपा नेता का निधन हो गया जो बंगाल के पूर्व राज्यपाल व यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके थे, ठीक है। तो उनका नाम क्या है? तो वह हैं केसरीनाथ त्रिपाठी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 21वां नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित हुआ? वरुण वरुण अभ्यास जो होता है वो किस भारत और किस देश की सेना के साथ होता है? तो वरुण अभ्यास जो होता है वो भारत और फ्रांस देश की सेना के साथ होता है। और ये कब हुआ है? अभी जो हाल ही में हुआ है 21वां नौसेना अभ्यास, ये पश्चिमी तट पर हुआ है भारत के। तो आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लखवार बांध किस नदी पर जो है निर्मित किया गया है? तो लखवार बांध जो है ये निर्मित किया गया उत्तराखंड में स्थित है, ये यमुना नदी पर बनाया गया है। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के एक भाग के रूप में किसानों तक पहुंच के लिए किस राष्ट्रव्यापी कार्यशाला का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा किसान कल्याण कार्यशाला के अंतर्गत, ठीक है। किसान कल्याण कार्यशाला के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार स्वरोज अभियान स्वराज अभियान के एक भाग के रूप में किसानों तक पहुँच के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। तो आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो दिया गया है अपशिष्ट से संपदा एवं ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु किस राज्य से गोवर्धन योजना को प्रारंभ किया गया? तो गोवर्धन योजना की अगर हम बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन, ये इसका नाम है। और ये 2018 में स्टार्ट किया गया था यह योजना, और यह जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक कार्यान्वित है। और इसमें आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, हरियाणा को प्रारंभ किया गया है। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, हरियाणा से प्रारंभ किया गया, ठीक है। 8वें महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान किया गया है के सच्चिदानंद सिन्हा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए देश के पहले सरकारी मदर मिल्क बैंक बनाए जाने की घोषणा किया है? तो मदर मिल्क बैंक जो है किस राज्य के द्वारा बनवाए जाने की घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस जिले में देश की पहली नाइट सफारी की स्थापना की जाएगी? तो पहली नाइट सफारी की स्थापना जो हो रही है ये लखनऊ में हो रहा है। आंसर हो जाएगा इसका ये ऑप्शन, ठीक है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रहा है। मुंडेरा बाजार का नया नाम क्या है? तो मुंडेरा बाजार कहाँ पर है? बेसिकली तो ये गोरखपुर में है, ठीक है, गोरखपुर में मुंडेरा बाजार है। इसका नया नाम योगी जी द्वारा बदल के अब चौरी चौरा कर दिया गया, ठीक है, चौरी चौरा चौक। तो आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चौरी चौरा कांड जो है ये हुआ कब हुआ था? तो ये हुआ था 4-5 फरवरी, 4 या 5, कभी कभी 4 कभी 5, तो 1922 को, 4 या 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। और ये मुंडेरा बाजार का नया नाम हो गया है जो है चौरी चौरा, ये याद रखिएगा। तो अब हम बात करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2, और इसमें अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया, ठीक है। इसमें क्वेश्चन शो नहीं कर रहा, उसको हम जो है पढ़ के बताते हैं। क्वेश्चन था कि द्वैध शासन पद्धति को पहली बार किसके अधीन लागू किया गया, ठीक है। द्वैध शासन जो था, द्वैध शासन पद्धति था जो पहली बार जो है किसके अधीन लागू किया गया था, इसका ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसमें जैसे सही हो जाएगा। तो आंसर इसका देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो जो द्वैध शासन पद्धति था वो पहली बार जो हुआ था वो मांड फोर्ट सिद्धार्थ के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू द्वारा चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा गया था, ठीक है। किस अधिनियम को चार्टर ऑफ स्लेवरी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था? कौन सा अधिनियम था जिसको कहा गया था चार्टर ऑफ स्लेवरी, यानी दास्ता का जो चार्टर कहा गया था? तो इसमें से अगर हम बात करें तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जब आया तो उसको जो है नेहरू ने चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था, हालांकि बाद में इसी संविधान में जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सर्वप्रथम जो बैठक की अध्यक्षता हुई थी वो किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम जो अध्यक्षता किया गया था भारतीय संविधान सभा का,
वो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। और ये अस्थाई अध्यक्ष बने थे, ठीक है। इसके बाद अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे बाद में, ठीक है। अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो आंसर इसमें दिया गया है सर्वप्रथम बैठक की अध्यक्षता, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति का धर्म परामर्शदाता था, ठीक है। संविधान सभा का प्रारूप समिति का परामर्शदाता की अगर हम बात करें तो बी एन राव थे। आंसर इसका बी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी एन राव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान जो है कब पूरा हुआ। भारत का संविधान जो है पूरा था, हुआ था ये 26 नवंबर 1949 को। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसीलिए 26 नवंबर को हर वर्ष क्या मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा के सर्वप्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान सभा के सर्वप्रथम की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था, तो अभी ऊपर बात हुआ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थाई अध्यक्ष थे। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद बाद में बनाए गए थे, ये अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। तो इस तरीके से आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो संविधान सभा द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया और किस दिन किया गया था गठन, इसका ये बताना डेट, ठीक है। तो जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947, कहीं इसका आंसर डी ऑप्शन तो नहीं होगा, 29 अगस्त 1947, तो राइट आंसर इसका डी ही सही है, 29 अगस्त 1947, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो संविधान के प्रारूप समिति में शामिल सदस्यों की संख्या कितनी थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब संविधान के बारे में इसी क्वेश्चन दिया गया, तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्रारूप समिति में शामिल सदस्यों की संख्या टोटल 7 थी। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है किसके द्वारा रखा गया था, किसने रखा था, तो प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है ये रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो आंसर इसका ये ऑप्शन राइट है, ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 100 है, संविधान सभा के सदस्य का चयन किसके द्वारा किया गया। संविधान सभा के सदस्य का चयन जो है ये किया गया था प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा, तो ये ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीति में इनमें से क्या सर्वोच्च है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म। तो भारतीय राजनीति में सबसे ज़्यादा सर्वोच्च स्थान आता है संविधान का, तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न इसमें से बताना है कि इसमें से किसने भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित बयान दिया था। तो ये कि क्या बयान था, भारतीय संविधान चरम कठोर था तथा अत्यधिक लचीलेपन, यहाँ पे पन होगा, लचीलेपन के बीच एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये किसके द्वारा कहा गया है, बात ये बताना है। तो ये बयान जो दिया गया था ये एलेक्जेंडरोविच के द्वारा दिया गया था, तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, एलेक्जेंडरोविच। अगला क्वेश्चन दिया गया कुछ इस तरीके से, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से राजनीति प्रणाली की संविधान में, भारत के संविधान में राजनीति, भारत की राजनीति की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं, ठीक है, भारत में राजनीतिक प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं, ये और इस तरीके से चार कथन दिया गया, बताना चारों में से क्या क्या सही है भारत के जो है राजनीतिक प्रणाली में। दिया गया है एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है, इसकी सरकार का स्वरूप संसदीय है, तो सही है, ये भी सही है, लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत। सर्वोच्च शक्तियाँ भारत की जनता में नहीं थे, ये भी सही है, ठीक है, लोकतांत्रिक जो गणराज्य होता है उसमें सर्वोच्च शक्तियाँ जो है भारत की जनता में होती है, ये एक एकीकृत अधिकार प्रदान करती है, तो ये भी सही है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली में ये चारों ऑप्शन सही आते हैं, तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था, ये किसके द्वारा कहा गया था, सहकारी संघवाद किसने कहा था भारत के संघवाद को, तो ये जी ऑस्टिन इसका राइट आंसर है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को निम्न में से किस संविधान से ग्रहण किया गया है, तो ये न्यायिक समीक्षा की संविधान जो है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, अमेरिका के संविधान से। देखिए कुछ देश हैं जिनके संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है और जो एग्जाम में हर बार आते हैं, अमेरिका के संविधान से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मौलिक अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ये एक याद रखिएगा। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना दिया गया, अमेरिका के संविधान से न्याय की स्वतंत्रता आदि चीज़ें ली गई हैं, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंग्लैंड के संविधान से अगर हम बात करें तो संसदीय संसदात्मक जो है शासन प्रणाली लिया गया, एकल नागरिकता जो है ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया, विधि का शासन
संसदीय विशेषाधिकार ये सब इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से अगर हम बात करें तो यहाँ से अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में जो है केंद्र के पास होना ये चीज़ें ली हैं, और संघात्मक विशेषताएँ ये कनाडा के संविधान से लिया गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का चयन किया गया लिया गया है। समुचित सूची का जो प्रावधान है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र एवं राज्य संबंध शक्तियों का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही प्रेरित है। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व को जो है लिया गया है। नीति निदेशक जो तत्व है अपने भारत के संविधान में वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो होती है वो जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं, 11 है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 है, जो कि ये लिया गया है रूस के संविधान से प्रेरित है। जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकाल लिया गया। ठीक है, आपातकाल का जो लगाया जाता है जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित है। तो इस तरीके से चीज़ें पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इस तरीके से दिया गया है, इसमें मिलान करना है हमें। ठीक है, अब इसमें बताना है कि इस निर्देशात्मक सिद्धांत जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो निर्देशात्मक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आपातकाल जो लिया गया है वो जर्मनी के संवैधानिक सरकार से है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा संबंधों के संविधान से है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के संविधान के 42 संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा शामिल नहीं किया गया था। इसमें से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गरिमा या फिर निष्ठा। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो गरिमा शब्द को शामिल नहीं किया गया था, बाकी और सभी शामिल किए गए थे। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में रेखांकित आदर्शों एवं उद्देश्यों को आगे कहाँ स्पष्ट किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो ये चीज़ें जो प्रस्तावना में रेखांकित आदर्श एवं उद्देश्य उसको आगे और कहाँ स्पष्टता रूप से कहा गया है, तो ये कहा गया नीति निदेशक सिद्धांतों में। ठीक है, मूल अधिकारों में और इसके अलावा मूलभूत कर्तव्यों में भी छलकता है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रस्तावना में क्या क्या बातें कही गई, तो प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और प्रस्तावना में पांच प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जाती है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। और दो प्रकार की समानता की बात की गई है प्रस्तावना में, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता की बात की गई। ठीक है, संविधान की कुंजी भी प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना का अन्य नाम है उद्देश्य का, इसको उद्देश्य का कहते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इसमें मूलभूत अधिकार, तो मूल अधिकार में जो 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, ठीक है, मूल अधिकार यहाँ से अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, वो भाग 3 में ये वर्णन किया गया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। 6 टोटल मूल अधिकार है इसमें वर्तमान में, पहले जब लिया गया था तब 7 था। ठीक है, लेकिन अभी 6 हैं। सातवां जो मूल अधिकार है वो संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था जो आर्टिकल 19 का में वर्णन था उसको हटाकर भाग 12 में आर्टिकल 300 का के तहत जो है उसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये चीज़ें होगी मूल अधिकार। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत की बात करेंगे तो भाग 4 में वर्णन है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। ठीक है, मूल कर्तव्यों की बात करेंगे तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के पर जो है संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। और भाग 4 का में जो है आर्टिकल 51A में जो है इसके तहत रखा गया है कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है, 11। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बात सही है, इसमें से कौन सी बात सही है ये बताना है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में सामाजिक समानता की गारंटी नहीं दी गई तो गलत है, प्रस्तावना में ही गलती की गया है। सामाजिक समानता पहले से मौजूद है ये भी गलत है, प्रस्तावना में लाया गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत, हमारे संविधान में सामाजिक समानता की गारंटी दी गई तो ये सही है। तो आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को किसके द्वारा शामिल किया गया। तो जो धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किया गया है ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है शामिल किया गया। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन
1976 में जो हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन 1974 सॉरी 1976 में जो हुआ था उसमें शामिल तहत जो है शामिल किया गया था धर्मनिरपेक्ष को। तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद एक भारत को किस रूप में जो है घोषित करता है। तो संविधान का अनुच्छेद जो एक है वो भारत को राज्यों का संघ के रूप में घोषित करता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये दिया गया है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक ये दिया गया है, और भाग की बात करेंगे तो ये भाग चार में जो है वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्तियों और बर्खास्तगी से जो है जुड़ा हुआ है। तो वो अनुच्छेद है 74, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 74 74 अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। यह 74 के बारे में कहा गया, और बर्खास्तगी की अगर बात करेंगे तो यह अनुच्छेद 75 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, राज्य में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह किया गया अनुच्छेद 169 के अंतर्गत, आंसर इसका हो जाएगा जो है बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भाग छः संविधान के जो है भाग छः में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक जो है वर्णन किया गया है। आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक राज्य विधानमंडल यानी दोनों सदनों की बात किया गया, उसका गठन का प्रावधान, उसमें कार्यकाल, नियुक्ति, चुनाव, विशेषाधिकार एवं शक्तियों की व्याख्या इस इन 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 जो है आर्टिकल के अंतर्गत किया गया। ठीक है, आर्टिकल 169 जो है और 171(1) 171(2) विधान परिषद के गठन पर संरचना से जुड़े जो है प्रावधान उसमें है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान अनुच्छेद की अगर हम बात करेंगे 249, तो 249 जो है राज्य सूची में उल्लेखित किसी मामले के संबंध में संसद की विधायी शक्ति से संबंधित है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यकारी शक्ति के संविधान के अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यकारी शक्ति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल में निहित होती है ये बताना है। तो संविधान राज्य की कार्यकारी शक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद की अगर हम बात करें कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये आता है 154(1) के तहत। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन 154(1). अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जोड़ा गया। तो नवी अनुसूची जो जोड़ा गया है ये कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया था, तो ये पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में, और 1951 के तहत जो नवी अनुसूची जोड़ा गया था। तो आंसर इसका जो होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णन करता है। तो भारत का संविधान भारत को अगर हम बात करें तो वो भारत के संघ के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में, जो कि अनुच्छेद एक में ही वर्णन है। ठीक है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि 1960 के बाद निम्नलिखित में से राज्यों का गठन किया गया था, और उनके गठन के कार्यक्रम के समय क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना, नीचे दी गई मतलब कि सबसे पहले कौन गठित हुआ, इसके बाद कौन गठित हुआ, इसके बाद कौन गठित हुआ, इस तरीके से बताना है, और वो भी 1960 के बाद। तो इसमें अगर हम बात करें तो हरियाणा जो दिया गया, हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में। ठीक है, और इसके अलावा सिक्किम की बात करेंगे तो ये 1975 में इसका गठन किया गया था, पूर्ण रूप से राज्य बना गया था, और 1963 में नागालैंड। ठीक है, मेघालय की बात करेंगे तो 1972 में हो जाएगा। तो सबसे पहले इनमें से अगर देखा जाएगा तो हरियाणा का गठन हुआ, कि यानी कि पहला जो है ऑप्शन हरियाणा ने इसमें, सॉरी इसमें जो देखेंगे तो 1963 में नागालैंड का गठन हुआ था पहले, इसके बाद दूसरे नंबर पर इसमें आएगा हरियाणा का, फिर आएगा 1972 मेघालय का, फिर आएगा 1975 जो है सिक्किम का। तो इस तरीके से आंसर जो होगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अधिकार राजनीति में शामिल नहीं है। तो वो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है, ये राजनीति में शामिल नहीं होता। तो आंसर इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजनीति स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका किस मामले में उपलब्ध है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो होती है ये किस मामले में उपलब्ध होती है।
तो ये दिया जाता है जो है किसी अवैध हिरासत या गैर कानूनी रूप में जब हिरासत में रखा जाता है तो उस व्यक्ति को रिहा कराने के लिए जो है इस प्रयोजन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन इसका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है इनमें से? तो प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी जो है वो आता है मूल अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 16 की बात करें तो ये भी मूल अधिकार है और ये जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता से समानता से मतलब रिलेटेड है। और 1900 अनुच्छेद 22 के तहत देखा जाए तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के जो है संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 24 की बात करें तो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध इसमें किया गया है, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं कराया जा सकता, कानून दर्द है मतलब अपराध है। तो इस तरीके से कुछ अधिकार दिए गए, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 19। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द में से किसे शामिल नहीं किया गया? तो हिंदू शब्द की अगर हम बात करें तो बौद्ध जैन सिखों को उसमें शामिल किया जाता है, लेकिन उसमें पारसियों को शामिल नहीं किया जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन पारसियों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है इनमें से? तो वो हो जाएगा समान कार्य है तो समान पारिश्रमिक अधिकार जो होता है ये मूलभूत अधिकार नहीं होता। ठीक है, ये होता है जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, ये 39 घा में जो है वर्णन किया गया अनुच्छेद भाग 4 में। ठीक है, तो समान कार्य के लिए जो है समान वेतन का अधिकार जो है ये मूलभूत अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाना अपेक्षित है? तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष तक अपेक्षित है, तो आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, कार्य एवं रोजगार के अधिकार से संबंधित भी आता है, समान कार्य है तो समान पारिश्रमिक का अधिकार ये भी नीति निर्देशक सिद्धांत है, लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। तो आंसर इसका बी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के 10 आदेशों को किन शब्दों द्वारा संबोधित किया जाता है? तो जो 10 आदेश जो दिया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत, तो ये मूलभूत कर्तव्य बना, आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि ये रूस के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, अभी अभी देखा जाए वर्तमान में तो कितने हैं, 11 हैं। तो इस तरीके से आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कोई अध्यादेश जारी करने का समय तक लागू रह सकता है, कितने समय तक लागू रह सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जारी कोई अध्यादेश जो है वो टोटल 6 महीने तक लागू रह सकता है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है इनमें से? तो भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्य के राज्यपाल की भी करता है। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, कानून संबंधी किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसे उपलब्ध है? तो कानून संबंधी किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित होता है। राष्ट्रपति कानून संबंधी किसी भी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से जो है परामर्श मांग सकता है, लेकिन इसको स्वीकार करने के लिए मानने के लिए बाध्य नहीं होता। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इसमें से निम्नलिखित में से किसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर जो है दोषी ठहराया जा सकता है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो वो है राष्ट्रपति को। ठीक है, भारत के अगर हम बात करें इसमें सॉरी किसके द्वारा जो है राष्ट्रपति को उल्लंघन संविधान का उल्लंघन करने पर अधिकार पर दोषी ठहराया जाता है? तो राष्ट्रपति को ठहराया जाता है ये संसद के दोनों सदनों के द्वारा। तो आंसर डी ऑप्शन इसे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत समस्त कार्यकारी अधिकार किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत समस्त कार्यकारी अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो ये राष्ट्रपति में निहित होता है। आंसर बी ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अगर हम बात करेंगे तो 5 वर्ष मन लगाएगा, इसका होता है लोकसभा में बहुमत समर्थन जब तक प्राप्त रहता है तब तक वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है,
और वैसे तो जनरली 5 साल होता है, जो वहाँ के जो सांसद होते हैं चुने हुए उनका जो कार्यकाल होता है, संसद के सदस्यों का 5 काल 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधानमंडल को पहली बार किस कानून द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो कौन सा कानून था जिसके तहत जो है द्विसदनीय बनाया गया था? तो इसमें अगर आंसर की बात करें तो सी पार्ट जो है भारत सरकार अधिनियम 1919, जो चेंस फोर्ड उसमें वायस रहे थे तो उसके समय लाया गया था। और भारत में भारतीय विधानमंडल को पहली बार किस कानून द्वारा जो है द्विसदनीय बनाया गया? तो आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निधि आपके निकट किस संस्था का आउटरीच कार्यक्रम है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ईपीएफओ। ईपीएफओ जो होता है निधि आपके निकट जो ये संस्था है, यह जो है ईपीएफओ संस्था का जो आउटरीच कार्यक्रम है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा की है? तो 15 साल से जो पुराने हैं, 15 साल से पुराने हैं, ठीक है, उनके सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत का कौन सा राज्य डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित भू अभिलेख रसीद प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। आंसर ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अधिकारियों को शिकायत अपीलीय समितियों के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित किया है? तो ये किया गया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। तो आंसर इसका बी ऑप्शन सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, किस शहर ने संघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की? इंपॉर्टेंट है, तो ये मुंबई शहर के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, मुंबई। BBC इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया अभी हाल ही में? तो ये सम्मानित किया गया है भाविना पटेल को। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, भाविना पटेल। ठीक है, बरखाना जलप्रपात, बरखाना जलप्रपात के बारे में पूछा गया किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बरखाना जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इस तरीके से कुछ दिया गया है, तो बरखाना जलप्रपात जो है ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न इसमें से दिया गया है कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना रहने का अनुमान है? तो प्रति व्यक्ति आय की बात करें NSO के द्वारा, तो 1,52,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय रहने का अनुमान है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट सुपर साइट लॉन्च किया है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रदूषण से निपटने के लिए? तो ये लॉन्च किया गया नई दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, OBC के उप वर्गीकरण आयोग का गठन कब किया गया? तो OBC के उप वर्गीकरण आयोग का गठन जो किया गया यानी कि OBC के अंदर भी और उसको विभाजित करने के लिए और उसको जो वर्गीकरण करने के लिए आयोग का गठन किया गया है, और ये 2017 में किया गया है। इसका गठन जो किया गया है इसके अध्यक्ष को किसको बनाया गया है? तो ये जस्टिस जी रोहिणी को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, जस्टिस जी रोहिणी को अध्यक्ष बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के हालिया अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक GST मुआवजा प्राप्त हुआ? तो किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक GST मुआवजा प्राप्त हुआ RBI के हालिया अध्ययन के अनुसार? तो यह प्राप्त हुआ महाराष्ट्र को। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, महाराष्ट्र। विंध्याचल तापीय विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो विंध्याचल तापीय विद्युत केंद्र जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विद्युत मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का मुख्य अतिथि जो है किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था जो है द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया था। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस जिले में पर्यटन थाना जो है खोला जाएगा? पर्यटन थाना जो है ये खोला जा रहा है कुशीनगर जिले में उत्तर प्रदेश के। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुशीनगर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तो दिया गया उत्तर प्रदेश किस जिले में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय खोला गया है? तो बलरामपुर जिले में खोला गया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बलरामपुर। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बलरामपुर जिला में थारू जनजाति संग्रहालय खोला गया। तो ये हो गया प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अब देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अब इसमें अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिया गया है कि निम्न में से भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम मुख्यमंत्री महिला कौन बनी है? ठीक है, तो भारत में किसी राज्य की सर्वप्रथम मुख्यमंत्री महिला की अगर हम बात करें, सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो वह है सुचेता कृपलानी। आंसर डी ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है, सुचेता कृपलानी। ठीक है, LGBT का अर्थ क्या है इसमें से बताना है। ऑप्शन इस तरीके से कुछ दिया गया है, LGBT का अर्थ होता है लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है,
आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएम का अर्थ क्या होता है? ईवीएम का अर्थ, ठीक है, ईवीएम का फुल फॉर्म, तो ईवीएम मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीन बहुमूल्य रत्नों सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान, इनमें से किस धर्म के सर्वोच्च ज्ञान है? तो ये अगर हम बात करें सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान, तो ये तीन जो बहुमूल्य रत्न है ये जो है जैन धर्म का जो है सर्वोच्च ज्ञान है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म के अगर हम बात करेंगे पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे, ठीक है, और अंतिम कौन थे, महावीर स्वामी थे 2400, तो इस तरीके से भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्यादवाद क्या हो सकता है? स्यादवाद मैंने हो सकता है का सिद्धांत इनमें से किसके किस मतलब धर्म का सिद्धांत है? तो ये है जैन धर्म का ही सिद्धांत स्यादवाद, तो आंसर सी ऑप्शन राइट है इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नांकित ऐतिहासिक व्यक्तित्वों में से किसे विष्णु गुप्त के नाम से जाना जाता है? तो विष्णु गुप्त के नाम से हम चाणक्य को कहते हैं, ठीक है, इनको कौटिल्य भी कहा जाता है, कौटिल्य और चाणक्य, विष्णु गुप्त, ये सभी एक ही नाम है इनके, चाणक्य के, ठीक है। तो और इन्होंने अर्थशास्त्र जो है राजनीति से संबंधित पुस्तक है उसकी रचना की थी, तो इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज इनमें से किस राजा का राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो था वो सेल्युकस के राजा का राजदूत था, तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेल्युकस, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेल्युकस। चरक इनमें से किस राजा के प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? तो चरक की अगर हम बात करें, चरक थे कनिष्का के प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से किसने कनिष्क प्रथम के दरबार की घोषणा सॉरी दरबार की शोभा जो है नहीं बढ़ाई थी इनमें से, यानी कनिष्क के दरबार में कौन नहीं रहा था इनमें से? ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है, तो इसमें से विशाखदत्त जो थे वो दरबार के कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे, कनिष्क प्रथम के दरबार में, बाकी अश्वघोष, पार्श, वशमित्र ये सब कनिष्क प्रथम के दरबार में रहते थे, और इसी के कार्यकाल में चौथा जो है बौद्ध संगीत भी हुआ था। भारत में सैन्य शासन की प्रथा सबसे पहले पहली बार किसके द्वारा लागू किया गया था? सैन्य शासन की प्रथा, सैन्य शासन की प्रथा की अगर हम बात करें तो यूनानियों के द्वारा लागू किया गया था, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय मंदिर वास्तुकला के प्रारंभ होने की अवधि कौन सी थी? तो भारतीय मंदिर वास्तुकला के प्रारंभ होने की अवधि की अगर हम बात करें तो गुप्तकाल था, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गुप्तकाल। अजंता की चित्रकारी, अजंता की चित्रकला विषय वस्तु इनमें से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से, आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। भारत में शून्य प्रणाली की सबसे पहले कब ज्ञात हुई थी? तो भारत में शून्य प्रणाली जो है ये ज्ञात कब हुआ था ये बताना है। भारत में शून्य प्रणाली सबसे पहले 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसवी में ज्ञात हुआ था, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू करने के लिए जाना जाता है? इसमें से बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू करने के लिए किसे जानते हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया गया था, तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के उपरांत भारत पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? तो तैमूर के आक्रमण के उपरांत भारत में अगर देखा जाएगा तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट, सैयद वंश का शासक था, ठीक है। सैयद वंश के शासक के काल में जो है तैमूर का आक्रमण हुआ, सैयद वंश का काल था 1414 से 1451। स्थापना इसकी किसने किया था? तो अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना किया गया था खिरज खां के द्वारा, सैयद वंश की स्थापना खिरज खां ने किया था। और तैमूर लंग ने कब जो है भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में। तो इसके बाद जो है सैयद वंश का शासन आया था, और उस समय नासिरुद्दीन मोहम्मद महमूद शाह का जो है शासनकाल रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में जो है आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह तुगलक, यानी इनका नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद महमूद शाह है, मोहम्मद शाह गलत लिखा है, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला फली फूली? तो ये जहांगीर के शासनकाल में सबसे ज़्यादा विकास हुआ, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, चित्रकला के क्षेत्र में। मुगल शासन के दौरान लागू मदद ए माश का अर्थ क्या है? मदद ए माश के अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, विद्वान लोगों को प्रदान की गई राजस्व मुक्त भूमि थी, तो आंसर बी ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। हुमायूं ने पहली बार चुनार के किले पर आक्रमण कब किया गया था? हुमायूं ने पहली बार चुनार के किले पर आक्रमण की अगर हम बात करेंगे तो 1532 ईस्वी में किया था, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1532, ठीक है, 1532 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणराज खान की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था? गुणराज खान की उपाधि से अगर हम देखेंगे तो मालधर बसु को विभूषित किया गया था, तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी को कहाँ दफन किया गया था?
ये सासाराम में इन्हें दफन किया गया था। और ये जो है कहाँ पड़ता है सासाराम, तो ये बिहार में पड़ता है, ठीक है, बिहार में सासाराम पड़ता है, वहाँ पर दफन किया गया था, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में किया गया था, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण प्रदान किए जाने पर पहला निश्चित कदम किस कानून द्वारा उठाया गया? तो पहला जो निश्चित कदम था वो किस कानून के द्वारा ये उठाया गया था जिसमें संसदीय नियंत्रण प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था पिट्स भारत अधिनियम 1784 के तहत, तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, पिट्स का भारत अधिनियम 1784। अगला क्वेश्चन है, बंगाल स्थित निम्नलिखित कारखानों में से किसकी स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था इनमें से? तो वो था हुगली, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हुगली, ठीक है। भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व सबसे अंत में व्यापारियों के रूप में भारत में आने वाले भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में से कौन लोग शामिल थे? ठीक है, सबसे अंत में कौन आया था? तो वो आया था फ्रांसीसी, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्रांसीसी। अगले क्वेश्चन में मिलान करना हमें, 1192 में कौन सा लड़ाई हुआ था? 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1192 में हुआ था तराइन का युद्ध, ठीक है। 1707 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1707 में क्या मतलब घटित हुआ था? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 1761 में क्या होता? 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, और 1665 में अकबर की मृत्यु हुई थी। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए भी आ जाता है, आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म स्थान क्या था? गुरु नानक का जन्म स्थान हुआ तलवंडी नामक स्थान पर, जो कि अभी पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है, तो आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के किसने लिखा है? यह पुस्तक बहुत फेमस है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था, तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं, तो दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण प्रदान करने के लिए पहला निश्चित कदम किस कानून के द्वारा उठाया गया था? तो ये उठाया गया था जो है 1784 का ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण प्रदान करने के लिए पहला निश्चित कदम किस कानून के द्वारा उठाया गया था? तो ये उठाया गया था पिट्स भारत अधिनियम 1784 का अधिनियम था, ठीक है। अब इसमें दिया गया है ऑप्शन में 1773 का, तो ये आप लोग देख लीजिएगा 1784 या 1773 है इसमें, क्योंकि अभी ऊपर वाले प्रश्न में दिया गया था कुछ दूसरा, तो इसको कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के अधीन संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई थी? तो 1935 के अधिनियम के अधीन संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है ये गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया था, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों के बीच अधिकारों का वितरण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत मौजूद प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1947 के थी, आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताएं हैं इनमें से? ठीक है, तो प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया जाना, तो ये था उसकी मुख्य विशेषता में से एक था। मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष सांप्रदायिक समझदाओं को लागू किया जाना, तो ये गलत है, ये नहीं था। केंद्र तथा प्रांतों को विधायी सरकार विधायी अधिकार विकेंद्रित किया जाना, तो ये था, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें दो सही हो जाएगा, पहला और तीसरा, दूसरा ऑप्शन जो है गलत है इसमें, तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा की कितनी बैठकें संपन्न हुई थी? तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा की बैठकें हुई थी टोटल 11, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 11, ठीक है। भारत का संविधान किससे संबंधित? तो भारत के संविधान की अगर हम बात करेंगे तो ये मतलब किस तरीके से, तो आंशिक कठोर और आंशिक लचीला है भारत का संविधान, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया उत्तराखंड राज्य सरकार को, आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन उत्तराखंड राज्य सरकार। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो तीसरा स्थान रहा था इस बार का 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को विशिष्ट डाक टिकट संग्रहकर्ता अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया प्रदीप जैन को, आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन प्रदीप जैन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के पटना जिले के किस खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड में संपन्न हुए सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया? तो ये जीता है कृतिराज सिंह ने, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कृतिराज सिंह, ठीक है। चीन के बाद ट्रेड प्लस वन निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया? टी प्लस वन या ट्रेड प्लस वन जो है निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश, तो वो भारत बन गया, ठीक है। चीन पहला स्थान, भारत दूसरा स्थान। क्योटी जलप्रपात, क्योटी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो क्योटी जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है, आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, ठीक है।
वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित दिलीप महालनोबिस जो है महालनोबिस जो है ये किस पेशे से जुड़े थे? तो ये जो है डॉक्टर, एक डॉक्टर हैं। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 2023 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। किस संस्था ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस 2023 रिपोर्ट जारी किया था? तो यह जारी किया गया था संयुक्त राष्ट्र संस्था के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो है भारत, ठीक है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका भी। भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है? तो यह शुरुआत किया गया है ये बांग्लादेश को दिया जाएगा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है इसका। हाल ही में भारत तो और किस देश के बीच युद्धाभ्यास संगम आयोजित हुआ है? तो युद्धाभ्यास संगम जो आयोजित होता है ये भारत और USA यानी कि अमेरिका के मध्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। कर्नाटक में भद्रा बांध तुंगभद्रा नदी की किस सहायक नदी पर स्थित है? ठीक है, भद्रा बांध, तो भद्रा बांध जो है कर्नाटक में स्थित है और ये तुंगभद्रा की भद्रा नदी की सहायक नदी पर जो स्थित है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार सम्मान रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिवस जो है ये किस तिथि पर मनाया जाता है? तो इनका जन्मदिवस मनाते हैं पर ईयर जो है 7 मई को। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट। गोकाक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? अगला प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोकाक जलप्रपात जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम वशिष्ठ नगर करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये रखा गया बस्ती जिले का नाम बदलकर अब वशिष्ठ नगर हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मेरठ में। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मेरठ। और ये था प्रैक्टिशन नंबर 3। अब देखते हैं प्रैक्टिशन नंबर 4। पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो दिया गया है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 132 के साथ। जब अनुच्छेद 134 का को पढ़ते हैं तब ये चीज़ें निकल के आती हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो दिया गया है कि भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को सौंपे गए कार्यों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था पंचायती राज से संबंधित था, और ये इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये जो है 11वीं अनुसूची में ये चीज़ें सम्मिलित की गई हैं, रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें दल बदल से संबंधित जो है प्रावधान है। 12वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें जो है इसको 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए जो है 18 विषय इसमें प्रदान किया गया। और 11वीं अनुसूची में जो है ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं से संबंधित ऐड किया गया, उसमें 29 विषय पर जो है रखा गया इसमें। तो ये हो गया 13वीं अनुसूची, कोई नहीं, टोटल 12 अनुसूची हैं बस। अगला क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है, कुछ अनुच्छेद दिया गया उससे संबंधित जो है प्रावधान दिया गया। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें अनुच्छेद 54 की, तो अनुच्छेद 54 जो है इसमें भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहला का एक। अनुच्छेद 75 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 155 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 155 में जो है राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान है। और अनुच्छेद 164 की अगर हम बात करें तो इसमें किसी राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषाई राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR जो है बनाया गया था? तो वो संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? तो वो हुआ था 69वां संविधान संशोधन। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किस देश द्वारा दोहरी नागरिकता की नीति को स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था किस देश के द्वारा? तो इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो भारत में एकल नागरिकता है, कनाडा में भी एकल है, और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो अमेरिका, इसका आंसर अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से मिलान करना, इसमें दिया गया है चीज़ें। अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में अगर हम बात करें तो समानता के अधिकार से वर्णन है। अनुच्छेद 22 में क्या वर्णन है? तो अनुच्छेद 22 में नेतृत्व किए गए व्यक्ति के अधिकार से संबंधित वर्णन है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो अनुच्छेद 32 में
संवैधानिक उपचार का अधिकार का वर्णन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मिलान करने को भी आ जाता है, आंसर ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका यानी कि रिट अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज का परीक्षण करती है, इसमें से कौन सी उसको क्या कहते हैं, उस रिट को क्या कहते हैं जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के कामकाज का परीक्षण किया जाता है, तो वो होता है उत्प्रेषण। ठीक है, आंसर इसका सी ऑप्शन उत्प्रेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी याचिकाएँ किसी न्यायालय में कार्रवाई के लंबन के दौरान की जाती है, मतलब इसमें से कौन सी है जो किसी न्यायालय में कार्रवाई के लंबन के दौरान जो है उस रिट को जारी किया जाता है, वो कौन सा रिट है ये बताना है, तो वो है प्रतिषेध। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन इसे करेक्ट हो जाएगा, प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो दिया गया है भारतीय संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन को किसके द्वारा सुनिश्चित किया गया, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 39 घ में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने मूलभूत कर्तव्य अभी तक हैं वर्तमान में, तो 11 हैं मूलभूत की अगर बात करें, मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य, तो टोटल जो है पहले 10 थे, अब इस समय वर्तमान में 11। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति अपने पद के लिए कितनी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है, तो इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, सीमा नहीं है, आंसर इसका हो जाएगा अनंत बार, आंसर इसका हो जाएगा अनगिनत बार, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम का प्रावधान है, न्यूनतम कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1975 में आपातकाल के घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था, तो 1975 के आपातकाल की घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति की अगर हम बात करेंगे तो कौन था वो, तो वो था फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद, तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति करता है, तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 148 के तहत जो है प्रावधान है दिया गया है भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक का, वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन देश का नेतृत्व नहीं करता, ये किसके बारे में कथन कहा जाता है, तो ये राष्ट्रपति के बारे में कहा गया, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति का अधिकार इनमें से किसका परिशेष है, ठीक है, अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति का अधिकार इनमें से किसका परिशेष है, तो इसमें से अगर हम बात करेंगे तो वो आता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है इनमें से, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से ये बताना है, तो गलत कथन कौन कौन सा है इनमें से, देखिए पहला दिया गया है उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन होना योग्य होना आवश्यक है, तो यह गलत है, कोई प्रावधान नहीं है खासकर भारत के राष्ट्रपति के संबंध में, यहाँ पे उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है। ठीक है, राज्य विधानमंडल का एक सदस्य इस पद के लिए जो है चुनाव लड़ सकता है, तो ये चीज़ें सही है, ठीक है, लड़ सकता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का, यह यहाँ पर उपराष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी सही है, उसे एक औपचारिक महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये गलत है, ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता, औपचारिक महाभियोग नहीं लगाया जाता, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा पहला और चौथा जो है इसमें सही है, पहला चौथा इसमें गलत है, बाकी दूसरा तीसरा सही है, तो सी ऑप्शन इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उप प्रधानमंत्री का पद जो है वो किस प्रकार का पद है, तो एक ये जो है संविधानेतर उत्पत्ति है, संविधान में कहीं इसका वर्णन नहीं किया गया, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय अथवा विभाग के तहत जो है संबद्ध है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये किस मंत्रालय के तहत आता है, तो संस्कृत मंत्रालय के तहत आता है, आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है, तो अधिकतम अंतराल की बात करें तो टोटल ये होना चाहिए 6 महीनों का, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, राज्यसभा एवं लोकसभा की गणपूर्ति किसके द्वारा होती है, कितने भाग से, तो राज्यसभा एवं लोकसभा के गणपूर्ति की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है कुल सदस्यों के 1/10 भाग से होता है, तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग एक विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना जो है आवश्यक होता है, तो इसके अगर हम आंसर की बात है संविधान संशोधन विधेयक होता है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मामले में जो है राज्यसभा के पास लोकसभा की तुलना में अधिक अधिकार उपलब्ध है, अब इसमें ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से कुछ दिया गया है, ये तो नवीन अखिल भारतीय सेवाओं के गठन से संबंधित जो है
राज्यसभा के पास लोकसभा की तुलना में जो है अधिक अधिकार इसके तहत आ जाता है ये काम करने के लिए। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन से सदन में सदा सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो ये राज्यसभा में होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है सभापति होता है, और उस सभापति जो है होकर राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो आंसर इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा में अध्यक्ष के मत को हम कहते हैं निर्णायक मत। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमाएं सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं से जुड़ी हुई हैं इनमें से? ठीक है, तो वो सीमा है छत्तीसगढ़ सीमा। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सीमाएं अधिक राज्य की सीमाओं से जुड़ी हुई इनमें से। अगला क्वेश्चन, भारत में पर्वतों के स्थानों को क्रम में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर की दिशा में सही है? ठीक है, यानी कि सबसे दक्षिण में कौन है, फिर उसके उत्तर में, फिर उसके उत्तर में, फिर उसके ऊपर में, सबसे उत्तर में, इस तरीके से बताना है। तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो सबसे अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन हो जाएगा। डोडा बेट्टा जो है सबसे दक्षिण में पड़ता है केरल में, इसके बाद विंध्याचल श्रेणी, फिर धौलागिरी, कैलाश, सबसे उत्तर में, इस तरीके से पहाड़ों पर, हिमालय पर पड़ता है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन भारत के मूंगा द्वीप समूहों में से एक है? तो मूंगा द्वीप समूहों में से एक है, उनमें से वो कौन सा है? तो वह है लक्षद्वीप। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, महान हिमालय का दूसरा नाम क्या है? महान हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, निम्नलिखित में से इनमें से किसके साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सीमाएं नहीं जुड़ती इनमें से? तो आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इनमें से कर्नाटक के साथ इनकी सीमा नहीं जुड़ती पुडुचेरी की, बाकी सभी के साथ जुड़ती है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा जो सबसे लंबी है इनमें से? ऑप्शन इस तरीके से कुछ दिया गया है। तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो समुद्री तट रेखा जो है सबसे ज़्यादा लंबी इसमें से गुजरात की है। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, गुजरात। निम्नलिखित जोड़ियों में से बताना है, विचार करना है, इसे बताना है कौन सा जोड़ी सही है। ठीक है, गारो पर्वत। तो गारो पर्वत की अगर बात करें, दिया गया उत्तर पूर्वी भारत। ठीक है, सही है, उत्तर पूर्वी भारत में ही गारो पर्वत पाया जाता है। जवाड़ी पर्वत जो दिया गया है मध्य भारत, मध्य भारत में जवाड़ी पर्वत नहीं पाया जाता, जवाड़ी पर्वत जो है पूर्वी घाट में पड़ता है। ठीक है, पूर्वी घाट है यानी कि यह दक्षिण भारत के अंतर्गत आता है, तमिलनाडु में स्थित है। मैकाल पर्वत जो है दक्षिणी भारत लिखा है जो कि गलत है, मैकाल पर्वत जो है छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है, मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो यह मिडिल हो जाएगा, मध्य भारत के अंतर्गत। तो इस तरीके से सही जो है वो एक ही है, बाकी दोनों गलत हैं, तो केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शुष्क स्थान है इसमें से? तो इसमें से अगर हम देखेंगे सबसे शुष्क स्थान की बात करें तो लेह हो जाएगा। ठीक है, लेह लद्दाख सबसे शुष्क स्थान आता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है इनमें से। अगला प्रश्न देखते हैं, तो दिया गया उस स्थान का नाम बताएं जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर का मिलन होता है। तो जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद महासागर का मिलन होता है, तीनों का वो स्थान का नाम क्या है? तो उसका नाम है कन्याकुमारी। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के प्रवाह मार्ग में जो है स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये स्थित है कावेरी नदी के प्रवाह मार्ग में। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कहाँ पड़ता है शिव समुद्रम जलप्रपात? तो ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न, भारत में दो स्थान ऋषिकुल और गहिर माता किसके लिए प्रसिद्ध हुए हैं? तो ये प्रसिद्ध हैं समुद्री कछुओं द्वारा अंडा देने के लिए प्रसिद्ध हैं। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे तो ये मेघालय राज्य में पड़ता है। आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा भोपाल घोषणा पत्र किस बैठक के बाद शुरू किया गया? तो भोपाल घोषणा पत्र जो है ये कौन सा बैठक हुआ था? तो G20 बैठक हुआ था, उसके बाद भी शुरू किया गया। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? कौन अध्यक्ष बने हैं? तो सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या है? तो विश्व मृदा दिवस 2022 कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को हर वर्ष मनाते हैं। ठीक है, अब इसकी थीम क्या बनी थी 5 दिसंबर को जो हुआ था? तो उसमें हुआ था मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है या मिट्टी जहां अनाज हमें मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये इसका थीम रहा था इस बार का। दृष्टिबाधित T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया है? दृष्टिबाधित T20 विश्व कप का आयोजन हुआ ये भारत देश में। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भारत में। ठीक है, मेट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है? मेट्टूर बांध, ठीक है, तो मेट्टूर बांध जो है ये पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा।
पहला मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव कहाँ पर जो है आयोजित किया गया? ये तो ये आयोजित हुआ है दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2023 को मिलेट वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू किया है? तो ये लागू किया गया राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में 24,800 लोगों ने संस्कृत भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज किया है। अब 2001 की जनगणना में 14,135 लोगों की तुलना में ये है। और भारत के किस राज्य में संस्कृत एक आधिकारिक भाषा है? तो ये भाषा जो है ये उत्तराखंड राज्य में है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की संस्कृत राज्य भाषा आधिकारिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, 15 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अश्विनी उपाध्याय द्वारा दाखिल की गई जनहित याचिका के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को एक से अधिक स्थानों से चुनाव लड़ने के कानून को समाप्त करने हेतु जो है मांग की गई है। वर्तमान कानून के अनुसार कोई भी संसद सदस्य विधानसभा सदस्य अधिकतम कितनी सीटों से चुनाव लड़ सकता है? तो ये हो सकता है दो, अधिकतम दो सीट जगह से लड़ सकता है, बाकी और सारी रद्द हैं। तो आंसर ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की निम्नलिखित मिसाइलों में से कौन सी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इनमें से? तो भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अगर हम बात करेंगे इसमें से, तो हो जाएगा ब्रह्मोस, ब्रह्मोस मिसाइल होती है। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो दिया गया कि भारत के IIT में से किसके द्वारा विश्व के सर्वप्रथम दूर से संचालन योग्य लोकल इलेक्ट्रॉड एटम प्रोब यानी कि लीप माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया गया है? तो ये आविष्कार किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। भारतखंड संगीत महाविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है मई 2022 में। आंसर ये ऑप्शन करेक्ट है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया? 53वां टाइगर रिजर्व जो बनाया गया वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। अब क्वेश्चन देते हैं मेडल प्रतिशत नंबर 5 से। दिया गया क्वेश्चन कि म्यांमार के साथ भारत की कितने राज्यों की सीमाएं जुड़ी हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इसमें बताना है कि म्यांमार के साथ भारत की कितनी भारत के कितनी राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं, ये बताना है, ठीक है। तो म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमाएं जुड़ी हैं? तो टोटल 4 राज्यों की सीमाएं जुड़ी हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अभी बात करें मणिपुर, तो मणिपुर में बहुत ही हिंसात्मक सारी चीज़ें हो रही, पूरा प्रदेश जो है छिन्न विच्छिन्न है, वहाँ पर इंटरनेट शटडाउन है। तो इस तरीके से 4 राज्य जो जुड़े हुए हैं म्यांमार से, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह को जाता है, लेह लद्दाख को जाता है, कौन सा इसमें से दर्रा, ये बताना, ठीक है। तो इसमें से वो दर्रा का नाम है जोजिला दर्रा, जोजिला पास। आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो बिहार राज्य के क्षेत्रफल की बात करें तो 2.8% आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में 2.4% आता है क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्वत पर पूर्वी और पश्चिमी घाटों का परस्पर मिलन होता है, कौन से पर्वत पर होता है? तो वो होता है नीलगिरी पर्वत पर। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? तो शिव किला, शिव किला हिमाचल प्रदेश में ही है। तो यही आंसर हो जाएगा, जो जिला लेह लद्दाख में है, इस तरीके से आंसर हो जाएगा शिव किला, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुल्ला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नाथुल्ला दर्रा की बात करेंगे तो सिक्किम में स्थित होगा। आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, सिक्किम, ठीक है। नदियों के बाढ़ का प्रमुख कारण क्या होता है? तो नदियों के बाढ़, नदियों में बाढ़ का प्रमुख कारण होता है पर्वतों पर भारी हिमपात होना, इसमें से। तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुवाहाटी किस नदी के तट पर स्थित है? तो गुवाहाटी जो है ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित होने वाली सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है इनमें से? तो वो नदी का नाम है सतलुज नदी, ठीक है। सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होती है और सिंधु नदी की सहायक नदी है। जोग जलप्रपात किस राज्य में है? अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर से मिलने वाली बर्फ से निकला जल निम्नलिखित में से किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो सियाचिन ग्लेशियर से पिघलने वाली बर्फ से निकला जल जो है वो किस नदी का जाता है? तो वो जाता है नुब्रा नदी में। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, नुब्रा नदी। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री की अगर हम बात करेंगे तो अंटार्कटिका में स्थित एक मानव विहीन केंद्र है भारत का। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन, उस नदी का नाम बताएं जिसका उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं होता इनमें से, तो उस नदी का क्या नाम है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो उस नदी का नाम है बराक नदी। बराक नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट से नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, बराक नदी जो है ये कहाँ पर बहती है? तो मणिपुर नागालैंड, ठीक है, और मिजोरम में बहती है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में मिलान करना है हमें, कुछ नाम दिए गए हैं उनसे संबंधित, उनके कुछ कार्य दिए गए हैं, जैसे कि मंदाकिनी आप्टे का संबंध किससे है? तो मंदाकिनी आप्टे का संबंध की अगर हम बात करेंगे तो यह समाज सेवा और सामुदायिक नेतृत्व इन्होंने किया था। नीलम मान सिंह चौधरी की अगर हम बात करें तो इनका संबंध किससे है? तो ये जो है एक थिएटर निर्देशन का कार्य करती हैं। ठीक है, तो नीलम मान सिंह चौधरी की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएंगे थिएटर निर्देशन। रोमिला थॉपर की बात करेंगे तो इतिहास लेखन, ये इतिहासकार हैं, और वन श्री राव जो है नृत्य से संबंधित हैं। तो इस तरीके से इसका मिलान करने को भी आता है, आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने चंद्रमा पर सबसे पहला कदम रखा था? तो चंद्रमा पर सबसे पहला कदम किसके द्वारा रखा गया? तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है यूएसए के थे एस्ट्रोनॉट, तो उन्होंने रखा था। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला का नाम है बछेंद्री पाल। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, बछेंद्री पाल, ए पार्ट इसका करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो 1885 में स्थापना इसके किया गया था, तो इसके महासचिव बनते ए ओ ह्यूम, आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, ए ओ ह्यूम। ठीक है, भारत में फेरा का स्थान किसके द्वारा लिया गया है? तो फेरा मीन्स क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो कि अब फेमा ने ले लिया इसका स्थान। फेमा मीन्स होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया है, जो कि 1999 में यह एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्क की स्थापना जो है कहाँ किया गया है, ये बताना है। सार्क की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया है, आंसर इसका हो जाएगा क्या, ढाका। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ढाका में। और सार्क की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म बनता है। इसमें टोटल मेंबर सदस्य की अगर हम बात करेंगे तो 8 हैं, और 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना ढाका में किया गया था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ बनाया गया? काठमांडू नेपाल में। ठीक है, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। टोटल अगर देश की बात करेंगे तो इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित होगा? तो ब्रिक्स का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चाइना में है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चाइना। अफ्रीकी विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आबिदजान में, कहाँ पर है? आबिदजान में है, आबिदजान में है, आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन कब से प्रभावी हुआ? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ये 7 अप्रैल 1948 को प्रभावी हुआ था। और WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ब्रिक्स समूह का इनमें से कौन सा सदस्य नहीं है? ठीक है, तो ब्रिक्स जो है ये पहले अक्षर जो है ब्रिक्स बन लेकर बना है, पहले देश के पहले अक्षर के नाम से लेकर बनाया गया है। ठीक है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो इसमें देखा जाए तो इंडोनेशिया जो इसका सदस्य देश नहीं है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी करती है? तो एक कौन से संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो प्रथम एक संस्था उसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और ये प्रथम संस्था जो है ये अगर हम बात करें तो उसके संस्थापक कौन थे? तो वो माधव चौहान और फरीदा लौम्बे थे। ठीक है, ये जो है कर्ता का क्या करता है? तो वंचित बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है इसकी स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन है, त्रिवल्लुवर किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? त्रिवल्लुवर जो है किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, ये बताना है। तो ये तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तमिल भाषा।
बाण सागर बांध, बाण सागर बांध जो है निम्नलिखित में से किस राज्यों में से किसके बीच जो है संयुक्त उपक्रम है। बाण सागर बांध परियोजना की अगर हम बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार का जो है संयुक्त उपक्रम है, तो आंसर इसका हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट है। मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द का क्या अर्थ है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द की बात करेंगे तो जहाँ पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का जो है विद्यमान होता है वहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो दोहरी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होती है। ठीक है, दोहरी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होती है, तो परंपरागत कृषि क्षेत्र एवं आधुनिक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र का होती है, तो आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। भारत में कौन सा अभयारण्य गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, तथा ये राज्य किस राज्य में स्थित है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि असम में स्थित है, यहाँ का गैंडा सुप्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बताना इनमें से कि भारतीय की अर्थव्यवस्था किसकी विशेषता है, मतलब क्या विशेषता है भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है ये बताना है। इसमें दिया गया है कृषि की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता, निम्न प्रति व्यक्ति आय या फिर व्यापक बेरोजगारी। तो इसमें अगर हम बात करें भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था जो कृषि की प्रधानता, उद्योग प्रधानता नहीं है, निम्न प्रति व्यक्ति आय और व्यापक बेरोजगारी, तो तीन प्रकार की विशेषता ये तीन है, तो आंसर इसका हो जाएगा जो है आंसर इसका हो जाएगा भारतीय भारत की अर्थव्यवस्था, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर शब्द किसने प्रदान किया था, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर शब्द जो है ये किसके द्वारा प्रदान किया, तो राजकृष्णा ने प्रदान किया था, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को इनमें से किसके द्वारा विभाजित करके प्राप्त किया जाता है, तो देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं, तो आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित किया गया है, किस तरीके से परिभाषित किया गया है, तो सकल घरेलू उत्पाद होता है किसी एक वर्ष में, प्रतिवर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम उत्पाद एवं सेवाओं के मूल्य के रूप में जो होता है उसको हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय निम्न में से किस पर जो है आधारित होती है, तो राष्ट्रीय आय जो होता है ये वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन पर आधारित होता है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका भी राइट है। निम्नलिखित में से किसे सेवा क्षेत्र का एक भाग कहा जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बैंकिंग क्षेत्र आ जाएगा, और कृषि जो होता है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, बैंकिंग क्या होता है, सेवा क्षेत्र में आता है, तो आंसर ए बी ऑप्शन इसका राइट है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था, तो उनका नाम क्या, तो राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के धन निकासन का सिद्धांत का वर्णन करते हुए पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यह लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा का कारण होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का होना, आंसर इसका ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, घास भूमि को किस पार्थिव तंत्र में शामिल किया जाता है, तो घास भूमि को हम शामिल करते हैं पृथ्वी संबंधी पार्थिव तंत्र में, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण की निगरानी कर सकने वाला अवयव कौन होता है, तो वायु प्रदूषण की निगरानी करने वाला जो अवयव होता है वो होता है लाइकेन। ठीक है, काई जिसको कहते हैं लाइकेन, तो वो होता है डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में शेर की पूंछ वाले मकाऊ को प्राकृतिक आवास में जो है पाया जाता है, तो इसमें से अगर हम बात करेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, और इस तरीके से ऑप्शन कुछ यहाँ पर दिया गया है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसमें अगर हम बात करें तो किसके राज्य में जो है पाया जाता है शेर की पूंछ वाले मकाऊ, तो ये पाया जाता है तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में नहीं पाया जाता, तो ए बी सी तीनों सही जाएंगे, यानी कि का खागा इसमें सही है, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओजोन क्षेत्र का कारण क्या है इसमें से, तो ओजोन क्षेत्र का कारण सी एफ सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन सा उत्तरदायी नहीं होता, ठीक है, नहीं होता इसमें से कौन सा उत्तरदायी, तो नाइट्रोजन नहीं होता उत्तरदायी, आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एंड लाइफ निजी कंप्यूटरों द्वारा जनित, ठीक है, जनित अपशिष्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम कह सकते हैं कंप्यूटर अपशिष्ट, इसके अलावा ई अपशिष्ट भी कहते हैं, तो दोनों सही है। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, तो ये स्थापना किया जाएगा मेघालय राज्य में, आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन यानी कि ए बी एन एच पी एम
के अंतर्गत उपचार की आवश्यकता वाले रोगियों की सहायता करने वाले चिकित्सा कर्मियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यह किया गया आयुष्मान मित्र शब्द का प्रयोग। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, आयुष्मान मित्र। निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा जो है वर्ष 2023 में की जा रही है? किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा जो है वर्ष 2023 में किया जा रहा है? तो वह है वासेनार समूह। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, वासेनार समूह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार, किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूल में पंजाबी भाषा को शामिल करने का जो है, किस देश की सरकार के द्वारा यह सहमति शामिल करने का फैसला किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा किया गया। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम ग्रीनफील्ड कौशल प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो ये उड़ीसा राज्य में। ठीक है, आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा इससे लघु अंगों का आविष्कार किया गया जो केश विकास की अनुकृति करते हैं? तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। ठीक है, आईआईटी दिल्ली में किया गया। आंसर ये ऑप्शन करेक्ट। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च किया है? साइबर कांग्रेस पहल की अगर हम बात करें तो यह तेलंगाना राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वरुणा अभ्यास, वरुण अभ्यास जो है भारत और किस देश के मध्य होता है? द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास है। तो वरुण अभ्यास जो होता है ये भारत और फ्रांस के सैनिकों के मध्य होता है। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा बक्सवाहा खादान जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। दिसंबर 2022 में बिहार सरकार ने रामवृक्ष बेनीपुरी के स्मारक निर्माण को मंजूरी प्रदान की। यह बिहार में कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जा रहा है बागमती में। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा पाइन एप्पल एक्सप्रेस की घटना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मौसम विज्ञान से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एनएमसीजी द्वारा गंगा के बेसिन वाले निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में गंगा वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, सभी में किया गया है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सुझाव दिया है? अब ऑप्शन इस तरीके से पूछे तो इसमें दिया गया है दिल्ली को। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, दिल्ली को। बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? तो इसमें दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन सा राज्य आता है? तो राजस्थान आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 25 जनवरी 2023 को दिवंगत मुलायम सिंह यादव को कौन से सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया? तो पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। सिक्स देखते हैं, पहला क्वेश्चन इसमें लेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी अधिकांश गैस जो है अधिकांशता शहरी क्षेत्रों के कूड़ा भराव जल से स्थलों से जो है उत्सर्जित होती है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, मीथेन। मीथेन गैस का जो अधिकांशता शहरी क्षेत्रों के कूड़ा भराव जलों से स्थलों से उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है इनमें से? तो आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट ए पार्ट, उभयचर। उभयचर जो होता है पर्यावरण परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में इस तरीके से दिया गया है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, सर सैयद अहमद खान जो थे वो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से किसने जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे तो इनके द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था। तो आंसर सी एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में जो है ये किया गया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। डी ऑप्शन इसका राइट है। सती प्रथा को निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान रेगुलेशन जो है 17 के द्वारा गैर कानूनी और दंडनीय घोषित किया गया था? तो ये विलियम बैंटिक के द्वारा किया गया था। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विलियम बैंटिक। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब हैं। इनके आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाए, शिवदयाल साहब थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन देव समाज के संस्थापक थे इसमें से? तो देव समाज के संस्थापक की अगर हम बात करेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, शिव नारायण अग्निहोत्री थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
बाद में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी प्रकाश कौन थे? तो पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए जोरदार वकालत की गई थी? तो ये किया गया था वकालत जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर किंग के रूप में जाना जाता है? तो वह स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहते हैं। आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनका इनकी बुक है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है? लॉर्ड मैकाले का संबंध अंग्रेजी शिक्षा से। ठीक है, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा। सती प्रथा का अंत जो है किसके द्वारा हुआ था? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है करवाया गया था सती प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, 1829 में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था? तो किस गवर्नर जनरल के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था? तो लॉर्ड एलन बरो था जिसने जो है दास प्रथा का उन्मूलन किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लॉर्ड एलन बरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का शुभारंभ इनमें से किसके द्वारा किया गया था? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का जो है शुभारंभ ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक की रचना की थी? तो ये किया गया था जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ के साथ सहयोग में निम्नलिखित में से किसने जो है कलकत्ता में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था? तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा की अगर हम बात करेंगे तो ये थे जो है मुंडा राज के पक्ष में। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, मुंडा राज। कूका आंदोलन जो है किसके द्वारा चलाया गया था? कूका आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है गुरु राम सिंह ने चलाया था और अपने साथियों से मिलकर। कूका आंदोलन कब हुआ था? 1871-72 में जो है चलाया गया था। ठीक है, नामधारी सिखों के द्वारा जो है ये चलाया गया था। एक है कूकी आंदोलन, ठीक है, दो आंदोलन है, कूका आंदोलन एक कूकी आंदोलन। तो कूकी आंदोलन जो हुआ था ये मणिपुर में हुआ था और ये पंजाब साइड में हुआ था। कूकी आंदोलन जो चलाया गया था मणिपुर में, ये चलाया गया था 1917 से 1919 के बीच में। ठीक है, 1917-19 के बीच में कूकी आंदोलन हुआ था जो कि ये मणिपुर में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, कूकी आंदोलन भी। दादा भाई नौरोजी के अनुसार जो है स्वराज का अर्थ क्या होता है? तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ होता है स्वशासन। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, स्वशासन जो होता है वो स्वराज का अर्थ होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम सत्र जो कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये मुंबई में सत्र हुआ था। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा जो हुआ था अधिवेशन, उसका जो है अध्यक्ष किसके द्वारा जो है किया गया था सभापतित्व? तो दूसरा अधिवेशन की अगर हम बात करेंगे तो वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन बताना कि इनमें से कौन सा कथन सही है? नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था और इसके द्वारा भारत के संविधान में मूल अधिकारों के शामिल होने की वकालत किया गया था। ऑप्शन ए इस तरीके से कुछ है। और इसके बाद दिया गया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 मूल अधिकारों को संदर्भित करता है, तो यह गलत है। मूल अधिकारों को लिया गया था जो है अमेरिका के संविधान से। अगस्त प्रस्ताव 1940 के द्वारा मूलभूत अधिकारों को शामिल किया गया, तो यह भी गलत है। ड्रकिट सिम्पसन 1942 द्वारा मूलभूत अधिकारों को संदर्भित किया गया, तो यह भी गलत है। तीन ये गलत हो जाएगा, यही एक सही है। इसमें जो है जब नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था तो उसमें भारत के संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने की वकालत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा प्रथम सत्र जो है किस तिथि को संपन्न हुआ? तो संविधान सभा द्वारा प्रथम सत्र जो है ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और उस समय अस्थायी अध्यक्ष जो है संविधान सभा के बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अस्थायी। इसके बाद 11 दिसंबर को फिर हुआ तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो दोनों बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में जो है कार्यपालिका किसके अधीनस्थ होती है? तो कार्यपालिका जो होती है वो विधानमंडल के अधीनस्थ होती है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है इसमें से? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो श्वेत पत्र जो होता है ये भारत से संबंधित होता है। तो आंसर ए ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता अध्यक्षीय यानी प्रेसिडेंशियल सरकार की जो है की प्रणाली से इसमें से संबंधित है? कौन सा
विशेषता है ये बताना है, ठीक है। अध्यक्षीय सरकार की प्रणाली से संबंधित विशेषता कौन सी है? तो इसमें एकल कार्यपालिका होती है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एकल कार्यपालिका, ठीक है। लिखित संविधान की अवधारणा का पहली बार जो है जन्म कहाँ हुआ? तो लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका का संविधान हुआ, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से जन्म हुआ, लिखित संविधान की प्रेरणा आई वहाँ से। भारत के संविधान द्वारा भारत संघ की योजना को किस संविधान से ग्रहण किया गया है? तो भारत के संविधान द्वारा भारत संघ की योजना को जो है ये ग्रहण किया गया कनाडा के संविधान से, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में आपात प्रावधानों को शामिल किए जाने के विचार जो है किस संविधान से लिया गया, यानी कि आपातकाल यानी कि इमरजेंसी का प्रावधान जो है कौन से किसके संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से मूल संविधान को लिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वर्णित करता है इनमें से? तो वो हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है रखा गया है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता को भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया इनमें से? तो भारत के संविधान में कौन सी स्वतंत्रता को शामिल नहीं किया गया है? और अगर हम संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। पांच प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। दो प्रकार की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं शामिल किया गया है, आर्थिक जो है न्याय शामिल किया गया है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को संविधान के उद्घाटन के समय पर भारतीय गणराज्य की सही संवैधानिक हैसियत क्या थी? तो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान का उद्घाटन किया गया है तब एक भारतीय जो संविधान था वो एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य रहुआ था, मतलब था उस समय, तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सब समाजवादी सब बाद में 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था बाद में। मूल अधिकारों से जुड़ा कौन सा प्रावधान बच्चों के शोषण से सीधा संबंधित है? ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है, तो अनुच्छेद अगर हम बात करें 24 की, तो ये मूल अधिकारों से संबंधित है, अनुच्छेद 24, ठीक है। 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो होता है वो मूल अधिकार होता है, और इसमें जो है अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से सीधा संबंधित है, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता कांत का उल्लेख किया गया है, ये भी याद रखिएगा। स्वतंत्रता की बात की गई है, प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये 19 में बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है? तो यही अगेन आंसर का हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है, अनुच्छेद 17। हमारे संविधान में कौन से नामों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है लिखा गया है इंडिया अर्थात भारत, ठीक है, ये लिखा गया है जो उसमें भारत अर्थात इंडिया, ये शब्द दो शब्द उसमें लिखे गए हैं भारत के बारे में, तो भारत एवं इंडिया की बात की गई, तो आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, भारत एवं इंडिया की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो चौथी अनुसूची में क्या है बेसिकली ये बताना, तो संघ तथा राज्यों की भी शक्तियों के वितरण से संबंधित, तो ये गलत है, चौथी अनुसूची में नहीं है। इसमें जो है संविधान के सूचीबद्ध भाषाओं का उल्लेख किया गया है, शामिल किया गया, तो ये भी नहीं है। 22 भाषाओं का उल्लेख जो गया 8वीं अनुसूची में किया गया है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान नहीं है, तो ये भी गलत है, ठीक है, ये 5वीं छठवीं में है। और विभिन्न राज्यों के संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण, तो ये चौथी अनुसूची में है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों से संबंधित अनुच्छेद इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को वर्णन करता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को मूलभूत अधिकारों के साथ टकराव होने पर उन पर प्रधानता प्रदान की गई थी? तो ये हुआ था जब 42वां संशोधन, तो उसके तहत किया गया है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक चेक के समान है जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर किया जाता है, यह बात किसने कही थी? तो यह किया गया था केटी सेठ के द्वारा, कहा गया था, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केटी सेठ। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस विषय पर एक नए अध्याय को शामिल किया गया? तो वो था मूलभूत कर्तव्य के तहत, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मूलभूत कर्तव्य। इनमें से कौन सा एक मूलभूत कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रगान का सम्मान करना ये होता है मूलभूत कर्तव्य हमारा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भी मूलभूत कर्तव्य है, सार्वजनिक महत्व के स्मारकों स्थानों की जो है रक्षा करना ये जो है ये महत्व नहीं है। ठीक है, और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा में सुधार करना ऐसे ही है, तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा जो कि मूलभूत कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम निर्धारित आयु, अधिकतम पूछा गया तो अधिकतम जो है कोई मेंशन नहीं किया गया है, या अधिकतम कोई सीमा निर्धारित नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, न्यूनतम की बात करेंगे तो 35 वर्ष का होना चाहिए, 35 वर्ष का न्यूनतम होना चाहिए तभी वो राष्ट्रपति के पद के लिए जो है अर्हता है, बाकी आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कई मतदाता वर्गों के द्वारा किया जाता है, इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो होता है वो शामिल होता है, और लोकसभा का निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होता है, राज्य विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होता है, लेकिन राज्य विधान परिषदों का निर्वाचित सदस्य जो होता है ये शामिल नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, जो विधान परिषद होते हैं विधान वो शामिल नहीं होते, तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिनों में भरा जाना चाहिए, अनिवार्य है? तो भारत के राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त है तो उसको कम से कम 6 दिनों 6 महीनों के अंदर जो है उसको भर डाला जाना चाहिए था, तो बी पार्टी से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 महीने के अंदर उसको भर जाना चाहिए, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना तहत गरुण एरो स्पेस के साथ भागीदारी किया है? तो वो बैंक का नाम क्या है? तो वो है UBI। ठीक है, UBI मीन्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इस बैंक ने जो है किसान पुष्पक योजना के तहत गरुण एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है। हाल ही में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जो है जारी किया गया, और ये किसने जारी किया है ये बताना। ठीक है, दो ऑप्शन इधर है, दो ऑप्शन इधर है, अब इसमें बताना है कौन किसने जारी किया है। तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विदिशा अभिनव 5G उपयोग के मामलों में की तैनाती वाला पहला जिला कौन सा राज्य, मतलब किस राज्य में हो गया है? ठीक है, विदिशा जो है अभिनव 5G उपयोग मामलों की तैनाती वाला पहला जिला किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है विदिशा जिला, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। किस राज्य ने जो है साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रक्रिया की वाहन जो है योजना लॉन्च किया है? तो मेघालय राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का पुनर्नामकरण करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया है? तो वो है मुगल सराय स्टेशन, मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो जापान के साथ अगर हम बात करेंगे तो UK हो जाएगा, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन द फ्रीडम, इस पुस्तक का विमोचन जो है किसके द्वारा किया गया? तो ये पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट। किस संस्था द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया गया? तो ये जारी करता है WEF। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? तो रैंक थी 4th। ठीक है, 4th रैंक। ISA का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका फुल फॉर्म है, और ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय भारत में है। ठीक है, भारत के हरियाणा में गुरुग्राम में पड़ता है इसका मुख्यालय। ये स्थापना इसका किया गया था जो है 30 नवंबर 2015 को। ठीक है, 30 नवंबर 2015 को किया गया था इसकी स्थापना ISA का, और ये जो है स्थापना इसका किया गया था पेरिस में। ठीक है, और मुख्यालय रखा गया गुरुग्राम हरियाणा में।
याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नया नाम क्या रखा गया। नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नया नाम क्या रख दिया गया है, तो ये हो गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किस महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाता है, तो वो होता है जनवरी में। ठीक है, जनवरी महीने मनाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एयर अब इंटरप्राइजेस परियोजना किस भारतीय राज्य की प्रमुख परियोजना है, तो केरल राज्य की है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1987 में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौते का नाम क्या है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है, तो सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन जो हुआ है ये उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में किया गया है। ठीक है, बस्ती का भी हाल फिलहाल नाम बदलने की योजना बना रही सरकार, वशिष्ठ नगर इसका नाम अब करने वाली है। तो अभी याद रखें, बस्ती जिले में जो है सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है सतीश महाना, जो वर्तमान में है। आंसर इसका ए ऑप्शन राइट है। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जापान की संसद, ठीक है, जापान की संसद को किस नाम से जानते हैं, तो जापान की जो संसद है उसको हम किस नाम से जानते हैं बताना है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जापान की जो संसद है उसको हम कहते हैं डायट के नाम से। आंसर हो जाएगा ये पार्ट, डायट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रवर्तन के लिए संसद संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी भी भाग के लिए कोई भी कानून बना सकती है, तो वो किसकी सहमति से कानून बन सकता है, तो वो किसी भी राज्य की सहमति के बिना भी कानून बन सकता है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट। निम्नलिखित में से किसका सभी सभापतित्व जो है इसके किसी गैर सदस्य द्वारा किया जाता है, तो ये अगर हम बात करेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा, राज्यसभा के अंतर्गत करते हैं। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है, अध्यक्ष होता है, वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, और भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ठीक है, लेकिन अध्यक्षता वही करता है। शून्यकाल की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है, शून्यकाल की अधिकतम सीमा होती है 1 घंटे। आंसर बी ऑप्शन राइट। कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा की अगर हम बात करेंगे तो ये झारखंड से गुजरती है, इनमें ऑप्शन में जो दिया गया है। बाकी इसके अलावा और जो है राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, उसमें अगर हम बात करेंगे तो देखिए 8 राज्य हैं। पहला आता है उसमें मिजोरम, ठीक है, मिजोरम एक इसका मिजोरम हो गया। दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है पश्चिम बंगाल, ठीक है, चौथा इसमें आता है गुजरात, इसके अलावा मध्य प्रदेश, फिर आता है राजस्थान, फिर इसके अलावा आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अलावा आता है इसमें झारखंड, ठीक है। तो ये इतने राज्य हैं जो कि कर्क रेखा इनसे गुजरती है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और इसके अलावा झारखंड, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है ये बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में बहती है, ठीक है, आंसर इसका सोन नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में निर्मित किया जा रहा है विश्व का सबसे ऊँचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है, तो विश्व का सबसे ऊँचा रेल पुल जो है ये चेनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक का जोग जलप्रपात किस नदी पर है, तो जोग जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पर है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट हो जाएगा, शरावती नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सा क्रम सही है, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो सबसे पहले बढ़ेगी दामोदर नदी बहेगी, इसके बाद ब्रह्माणी नदी आप बहती है, फिर महानदी बहती है, फिर इसके बाद तुंगभद्रा नदी बहती है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी का उद्गम जो है भारत में इसमें से नहीं होता,
तो देखिए रावी नदी भारत में उद्गमित होती है, ब्यास भी है, चेनाब भी, लेकिन सतलज नदी जो है उद्गम भारत में नहीं होता, तो आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम एवं पूर्व दोनों की ओर प्रवाह प्रणाली से युक्त पठार कौन सा है? ठीक है, कौन सा ऐसा पठार है जो पश्चिम में भी और पूर्व में दोनों ओर उसके नदियाँ बहती है, प्रवाह होता है, तो पठार का नाम क्या है? तो उस पठार का नाम है मालवा का पठार, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मालवा का पठार। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में लोकटक झील है? लोकटक झील जो है ये पड़ता है मणिपुर राज्य में, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर। नीचे उल्लिखित नदियों में से कौन सी नदी कच्छ की खाड़ी से होकर बहती है? कच्छ की खाड़ी से होकर बहने वाली नदी का नाम है लूनी नदी, ठीक है, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेगुर मृदा यानी कि रेगुर मिट्टी जो है निम्नलिखित में से कौन सी फसल के लिए आदर्श तौर पर उपयुक्त होती है? तो रेगुर मिट्टी जो होती है ये कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, रेगुर मिट्टी को हम काली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, इसमें काली मिट्टी में क्या होता है, कपास बहुत ज़्यादा पैदावारी होता है, तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। सर्वाधिक बंजर भूमि वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक बंजर भूमि जो है वो पड़ता है राजस्थान में, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वर्षा के कारण सघन निचालन के प्रति संवेदनशील भूमि को क्या कहा जाता है? तो वर्षा के कारण सघन निचालन के प्रति संवेदनशील भूमि को कहते हैं लेटेराइट, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। पश्चिमी समुद्री तट पर और ऊपरी असम, पूर्वीय हिमालय के निचले और ढालों, ओडिशा के तटों एवं पड़ोसी पर्वतों में किस प्रकार के वन पाए जा सकते हैं? तो उसमें मिलते हैं माउंटेन उप उष्णकटिबंधीय वन, आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य असम राज्य में स्थित है, आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व विरासत वन माना जाता है, किस वन को माना जाता है ये बताना है। तो विश्व विरासत वन जो है ये असम में गंगा का उस असम में काजीरंगा जो है वन है, या काजीरंगा नेशनल पार्क उसको मानते हैं, तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। अगले क्वेश्चन में गलत जोड़ी हमें बताना है, बांधवगढ़ पश्चिमी भारत दिया गया है, ठीक है, इसमें से सही जोड़ी बताना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो दिया गया है दक्षिण भारत, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है दिया गया है यह उत्तर पूर्वी भारत। अब इसमें कौन से राष्ट्रीय उद्यान की बात की गई ये बात पते नहीं, इसमें मानस राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे तो मानस कहाँ असम में है, ठीक है, पूर्वी भारत में है, उत्तर पूर्वी भारत में, तो ये सही हो जाएगा। बांधवगढ़ जो पड़ता है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ना कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो केवल तीन ही सही हैं, लेकिन इस राष्ट्रीय उद्यान दूसरे नंबर का राष्ट्रीय उद्यान इसमें क्लियर नहीं कौन सा बात किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के बल्ले के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो उस लकड़ी का नाम क्या है? सेलिक्स पर प्यूरिया लकड़ी है जिसका प्रयोग करते हैं क्रिकेट के बल्ले के निर्माण के लिए, तो आंसर ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। इनमें से कौन सा जोड़ी गलत है एक बताना है, इनमें से कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा, रणथंबोर गुजरात दिया गया है जो कि गलत है, रणथंबोर राजस्थान में पड़ता है ना कि गुजरात में पड़ता है, बांदीपुर कर्नाटक ये सही है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सबसे कम वर्षा होती है? तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो सबसे कम वर्षा होती है चेन्नई में, आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चेन्नई। भारत का सर्वाधिक शुष्क वाला हिस्सा कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक शुष्क वाला हिस्सा इनमें से अगर देखेंगे तो पश्चिमी राजस्थान आएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। इनमें से किस पर्वतीय स्थान के नाम का अर्थ वज्रपात है? तो वज्रपात की अगर हम बात करें तो दार्जिलिंग का जो है स्थान एक पर्वतीय स्थान है जिसका नाम वज्रपात है, तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, चक्रवात के लिए बाधा उत्पन्न करने वाले वन कौन से होते हैं? तो चक्रवात के लिए जो है मैंग्रोव वन होते हैं जो कि बाधा उत्पन्न करते हैं, तो सी आप बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित हैं? तो कुमारकोम और बेपोर जो है दोनों केरल राज्य में स्थित हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केरल राज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है अभी हाल फिलहाल में? तो यह बिहार राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था खाद्य मूल्य सूचकांक प्रकाशित करती है? खाद्य मूल्य सूचकांक की बात करेंगे तो FAO जो है ये खाद्य मूल्य सूचकांक प्रकाशित करते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है FAO का। स्थापना इसका हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, स्थापना किया गया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है रोम। रोम कहाँ पड़ता है? रोम इटली में पड़ता है, तो वहाँ पर इसका जो है हेडक्वार्टर बनाया गया था। और इसी के तहत जो है 16 अक्टूबर को हर वर्ष मनाते हैं हम जो है विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस इसी के जो है स्थापना दिवस पर मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस।
तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वस्ट्रो खाते रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को की मंजूरी जो है मिली है, तो वो बैंक का नाम क्या है? तो बैंक का नाम है इंडियन बैंक। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंडियन बैंक। शेष भारत ने किसे हरा कर जो है ईरानी कप 2022-23 चैंपियन बना? तो शेष भारत ने हराया है इसमें से किसको? तो मध्य प्रदेश को हराया है और इसके बाद ईरानी कप जीत लिया, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, 95वें अकादमी पुरस्कारों में फिल्म आरआर के नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का ऑस्कर अवार्ड जीता है, और फिल्म आरआर के जो है निर्देशक कौन है? तो ट्रिपल आर के निर्देशक का नाम क्या है? तो एस राजा मौली इनका नाम है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास अवार्ड 2022 से अगर सम्मान की बात करें तो विनायक चंद्र को दिया गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली महिला लोको पायलट का नाम बताइए जिन्होंने मार्च 2023 में वंदे भारत ट्रेन चलाकर इतिहास रचा है। तो उनका नाम है सुरेखा यादव। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया गया है? तो वह है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि का संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो वह है केरल, ठीक, केरल राज्य में किया गया है। पहला आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आज़ादी सैट उपग्रह, आज़ादी सैट किस स्टार्टअप से संबंधित है जिसे 750 स्कूली लड़कियों ने जो है निर्मित किया है? तो यह संबंध है स्पेस किड्स इंडिया से। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्च 2023 में नेपाल का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो नेपाल के राष्ट्रपति हाल फिलहाल में बने उनका नाम क्या है? रामचंद्र पैडोल। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रामचंद्र पैडोल, ठीक है। गरुड़ वायु सेना अभ्यास जो है ये किन देशों के बीच किया जाता है? गरुड़ वायु सेना अभ्यास से जो है, तो गरुड़ वायु सेना अभ्यास जो होता है ये भारत और फ्रांस के सेनाओं के मध्य होता है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने बाघ शेर और चीतों जैसी 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA नामक एक नए वैश्विक गठबंधन के निर्माण का प्रस्ताव दिया है, ठीक है? तो IBCA नामक जो नया वैश्विक गठबंधन है ये किसके द्वारा प्रस्ताव दिया गया है? तो ये भारत के द्वारा प्रस्ताव दिया गया। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया? फरवरी 2022 में बिहार का राज्यपाल बनाया गया, तो राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कश्मीर में लेह जो स्थान है, अब लेह लद्दाख में पड़ता है, तो वो स्थान पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वहाँ पर होता है। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है किंतु उनकी जलवायु में अंतर का कारण क्या है? तो अमृतसर और शिमला जो है एक ही अक्षांश पर स्थित है लेकिन उनके जलवायु में बड़ा अंतर का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता, ठीक है, ऊंचाई के कारण जो है जलवायु में अंतर आ जाता है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा सर्वाइवल ऑफ रिचेस्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया गया? तो ये ऑक्सफॉर्म इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की महिलाओं को आयकर से छूट देने से इनकार करने वाले आयकर के प्रावधान को रद्द कर दिया? तो यह सिक्किम राज्य में किया गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी उत्थित सड़क हिंडन एलिवेटेड रोड किस राज्य द्वारा बनाई गई? तो यह उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबान है? 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबानी की बात करेंगे तो कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। हाल ही में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन जो हुआ है यह जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणितीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है, आंसर इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा, आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो दिया गया है कि किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो उस देश का नाम क्या है? तो स्वीडन नाम है, आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कोयले की गुणवत्ता निगरानी के लिए उत्तम नामक एप्लीकेशन प्रारंभ किया है, और उत्तम का संपूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया है। तो उत्तम की अगर हम बात करेंगे, इधर दिया गया है चार ऑप्शन उत्तम के लिए, ठीक है, बताना इनमें से कौन सा जो है फुल फॉर्म है। तो उत्तम का फुल फॉर्म बनता है अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाई थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट है। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा योजना का आयोजन करता है? तो धनु यात्रा उत्सव का आयोजन जो करता है ये उड़ीसा राज्य करता है, सी डी ऑप्शन करेक्ट है। मशहूर कॉमेडियन अभिनेता राजू श्रीवास्तव का दिल्ली में 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कहाँ के रहने वाले थे? तो ये कानपुर के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के। तो आंसर ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। गोरखपुर के आर्य नगर को पहले किस नगर के नाम से जाना जाता था? तो अली नगर पहले उसका नाम था, अब आर्य नगर हो गया। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, उसके पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दिया गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार इकलौता राज्य जिनसे मुस्लिम आबादी में गिरावट दर्ज की गई है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मणिपुर। मणिपुर में मुस्लिम आबादी गिरावट दर्ज की गई है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितने मिलियन में है? तो 201.4 मिलियन में है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या में पिछले दशक के कितने % के मुकाबले 17.7% की वृद्धि हुई है? तो पिछले दशक में 21.5% था, तो उसके मुकाबले 17.7% की वृद्धि हुई है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में असमर्थ यानी अक्षम व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम है? तो ये लक्षद्वीप में है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के मध्य कितना अंतर है? तो इसमें अगर हम बात करते हैं साक्षरता की, तो टोटल ओवरऑल साक्षरता भारत की है 74.4%, ठीक है। अब इसमें पुरुष साक्षरता है 82.14% और महिला साक्षरता दर है भारत की 65.46%। अब इन दोनों को जब हम घटाते हैं तो यह आता है 16.68%, ठीक है। तो इसमें लगभग दिया गया 16.3%, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ये इतना अंतर आता है महिला और पुरुष में, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY का शुभारंभ सभी को 2022 तक आवास मुहैया कराने हेतु किया गया, बैंक से प्राप्त होने वाले ऋणों पर सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला ब्याज अनुदान किया है? तो इसमें से हो जाएगा आंसर बी पार्ट, ठीक है, 6.5% आता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय स्तर पर कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन यानी कि अमृत के कार्यान्वयन के लिए अपेक्स समिति का गठन किया गया है, अपेक्स समिति के चेयरमैन कौन है? तो अपेक्स समिति के चेयरमैन है राजीव गौबा, बी ऑप्शन करेक्ट है, राजीव गौबा सिंह है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम कॉरपोरेट क्षेत्रफल क्या है जो इस योजना का लाभ उठाने के लिए घर खरीद या बना सकते हैं? तो वो है 30 मीटर स्क्वायर, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 30 मीटर स्क्वायर। 16 सितंबर 2016 को स्मार्ट शहरों की सूची में सम्मिलित होने वाले टोटल शहरों की कितनी घोषणा की गई थी? तो टोटल किया गया था 27, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, 27, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो दिया गया है कि भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने 21 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय विरासत स्थल और विकास और संवर्धन के योजना यानी कि हृदय योजना जिसको कहते हैं, इसका शुभारंभ किया गया था 21 जनवरी 2015 को, जिसका केंद्र बिंदु विरासत केंद्र बिंदु क्या था? विरासत शहरों का समग्र विकास करना। निम्नांकित में से कौन सा शहर उसमें से हिस्सा नहीं था, शामिल नहीं था? तो इसमें अगर देखा जाए तो बेलनकन्नी था, वारंगल भी था, बादामी था, लेकिन उज्जैन उसमें शामिल नहीं था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उज्जैन। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग किस नदी के तट पर स्थित है? तो मांडा जो है ये स्थित है चेनाब नदी के तट पर, आंसर ये ऑप्शन करेक्ट है। कौन से ऋग्वैदिक देवता को भगवान और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में जाना जाता है? तो देवता का नाम है अग्नि, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अग्नि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य सम्राट ने स्मारकों के लिए पत्थर के सामान्य प्रयोग की शुरुआत की थी? तो ये किया गया था अशोक के द्वारा, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अशोक, ठीक है। अब इसका कथन दिया गया कि गुप्त काल में शूद्रों को रामायण महाभारत एवं पुराणों को सुनने की अनुमति दी थी, ठीक है, ये पहला कथन दिया गया। दूसरा इसमें दिया गया है कारण
कि गुप्त काल में शूद्रों की आर्थिक स्थिति सुधरी एवं वे मुख्यतः कृषकों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से बताना कौन सा सही है। ए आर दोनों सही है या फिर गलत, दोनों या फिर ए गलत है ए आर सही है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ए आर और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक अमोघ वर्ष प्रथम द्वारा लिखी गई थी, नहीं लिखी गई थी। इसमें से अमोघ वर्ष प्रथम में कौन कौन सी पुस्तक लिखी है, तो उनके द्वारा कविराज मार्ग, रत्नमालिका और पश्चानोत रामलिका, ये तीनों लिखा गया, लेकिन आदि पुराण जो है इन्होंने नहीं लिखा है, तो आंसर यही हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में विफलता का सबसे कारण क्या था, जहांगीर के शासनकाल की विफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था ये बताना है। ठीक है, तो जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी विफलता का कारण की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसमें था गुरु अर्जुन देव को फांसी देना, तो ये तो नहीं था। ठीक है, नूरजहाँ जनता का बनना और प्रधानता हासिल करना, ये भी नहीं था। दक्कन के जमीन का एक इंच भी हासिल न करना, ये भी नहीं था। कांधार को पर्सिया के हाथों गवा बैठना, ये सबसे बड़ी विफलता का कारण था, तो आंसर डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में शिवाजी के शासनकाल में दबीर शब्द जो है नामक अधिकारी का कार्य क्या था। तो शिवाजी के शासनकाल में दबीर नामक अधिकारी का कार्य की बात करेंगे तो शाही दरबार में समारोहों का प्रबंधक जो होता था उसको हम कहते थे दबीर, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बहमनी शासक ने राजधानी को गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित किया है। गुलबर्ग से बीदर जो है अहमद शाह के द्वारा लाया गया था, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिए गए मानचित्र में प्रदर्शन परीक्षण करना हो, अंकित किए गए स्थान पर संख्या नंबर 4 पर किसका शासन था यह बताना है। मानचित्र में देखिए इस तरीके से है और 4 नंबर संख्या जो है यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर बताना कि किसका शासन काल था। ठीक है, ऑप्शन इस तरीके से है, गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, भोसले। 4 नंबर पर ऑप्शन पर अगर हम बात करेंगे तो ये भोसले का शासन काल था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच मध्य शिवाजी के वंशज थे तो इनका शासनकाल रहा था। शिशिर कुमार घोष द्वारा किस वर्ष में इंडियन लीग की स्थापना की गई, जिसका उत्तराधिकार बाद में कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन ने हासिल कर लिया था। तो ये घोषणा जो किया गया था ये 1875 में किया गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा, तो बी ऑप्शन इसका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम आंदोलन मानवता के एक वैश्विक धर्म को मानता था एवं जिहाद के खिलाफ था, तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा अहमदिया आंदोलन, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अहमदिया आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तो किसके शासनकाल में कलकत्ता डायमंड हार्बर के मध्य पहले टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरुआत किया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, किसे जो है भारत से भाग गए, कौन भारत से भाग गए और 1947 तक गदर पार्टी के साथ कार्य करते रहे और उन्होंने पेशवा नामक एक अखबार का भी शुरुआत किया गया था, तो ये किसके बारे में कहा गया है। अब इसमें आंसर ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया। ठीक है, यहाँ गोपाल गणेश आगरकर, अरुणा आसफ अली, सरदार अजीत सिंह या मौलवी अहमद सुतुल्ला, तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट। ठीक है, राणा सरदार अजीत सिंह, सरदार अजीत सिंह जो थे भारत से भाग गए और 1947 तक गदर पार्टी के साथ कार्य करते रहे और उन्होंने पेशवा नामक अखबार की भी स्थापना की थी। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन 1921 में मंत्री बनने वाले प्रथम भारतीय थे, इनमें से तो वे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में निम्नलिखित में से किसने मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु जो है बिल पेश किया था। तो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु जो है बिल पेश किया गया था, ये गोपाल कृष्ण गोखले के, जी के गोखले के द्वारा पेश किया गया था, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत सरकार ने किसानों को सहायता एवं मूल्य में आने वाले उतार चढ़ाव से बचाने हैं तो न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का निर्णय लिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में आखिरी बार संशोधन कब किया गया था, तो 1 जून 2016 को संशोधन किया गया था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना का अंग नहीं है इनमें से। ठीक है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना की अगर हम बात करेंगे तो इनमें से कौन सा एक अंग नहीं है उसके अंतर्गत, तो वो आता है वेयर हाउस निर्माण हेतु। ठीक है, केंद्रीय सहायता यानी कि CSWC जो होता है ये दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत नहीं आता। बाकी इसमें से क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण CBT प्रोग्राम, सामाजिक संचालन एवं संस्थागत विकास यानी कि MMID और शहरी फेरी वालों की सहायता, ये तीनों आते हैं। वर्ष 2016-17 में व्यापार करने की सुगमता के सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत को इसमें 130वां स्थान रखा गया है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 130वां स्थान। एक बार आयात हो जाने के बाद कितने समय में
आधिकारिक डीलर के पास कंट्री एंट्री बिल जो है जमा हो जाना चाहिए, तो 6 माह में, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी पार्ट, 6 माह में जो है जमा हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अमीर जमींदारों द्वारा भूमिहीन कामगारों के जमीन उपहार देने की भूदान योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1951 में, तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, ठीक है, इसमें दिया गया डी ऑप्शन जो कि गलत है। राष्ट्रीय कृषि नीति 2010 ने किसको भूमि सुधार का मापदंड मानने पर जो है बल दिया है? तो ये किया गया चकबंदी को, ठीक है, तो आंसर इसका ये ऑप्शन हो जाएगा चकबंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड यानी कि BIFR अस्तित्व में कब आया, किस सन में बना ये? तो 1986 में बना था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से रिपोर्टों पर विचार करना है और इसके बाद इसका आंसर बताना, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, स्थिति स्थिरता रिपोर्ट, और इसके अलावा दिया गया इसमें वैश्विक विश्व आर्थिक आउटलुक, इसके बाद दिया गया है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ठीक है, विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व आर्थिक पूर्वेक्षण। बताना इन रिपोर्टों में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित किया जाता है यानी कि IMF के द्वारा प्रकाशित होता है? तो इसमें सिर्फ दो रिपोर्ट हैं जो प्रकाशित होता है, एक तो यह है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, दूसरा है विश्व आर्थिक आउटलुक, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, सिर्फ एक व दो। कथनों पर विचार करना, इसमें दिया गया है कि 100 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा भारत के चावल एवं गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को अलग करती है, ठीक है, और इसमें बताना कौन सा कथन सही है। दूसरा, शीतकाल में अत्यधिक वृष्टि गेहूं की फसल है तो सहायक है, तो सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सिर्फ केवल एक सही है, ये दूसरा गलत है, तो आंसर इसका हो जाएगा सिर्फ एक, केवल एक, जो कि बी पार्ट में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? तो वो है पलाश, ठीक है, पलाश जो है वो राजकीय फूल भी है, पुष्प भी है उत्तर प्रदेश का, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। जुआरी ब्रिज जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टेट ब्रिज है, ये किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये गोवा में है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, गोवा। भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए पहली बार 3D प्रिंटेड घर सौंपे हैं? तो 3D प्रिंटेड घर सौंपने की बात करेंगे तो अहमदाबाद में किया गया, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कामोथी सौर परियोजना किस राज्य में स्थित है? कामोथी सौर परियोजना जो है तमिलनाडु में स्थित है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। मस्तिष्क के मृत्यु के मामले के निर्धारण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को सर्वप्रथम अपनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो वो पहला राज्य है केरल, आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन केरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी ताहर, यहाँ पे ताहर होगा, नीलगिरी ताहर परियोजना जो है शुरुआत किया है? तो नीलगिरी ताहर परियोजना शुरुआत किया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। भारतीय चुनाव आयोग ने किस श्रेणी के लोगों के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो ये किया गया है किसके लिए, तो आंसर इसमें देखेंगे इस तरीके से दिया गया है, यहाँ पे दो ऑप्शन और, तो चुनाव में लगे कर्मचारियों को जो है ये विकसित किया गया है उनके लिए, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? दक्ष जो है ये RBI संस्था द्वारा रिपोर्टिंग मॉड्यूल है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, RBI। ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में जो है मंजूरी प्रदान किया गया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय के तहत दिया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो ये जो है पहल है ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। खबरों में रहा मांग देखछु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भारत ने जो है किस देश को सौंपा है? तो मांग देखछु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है भारत के द्वारा ये भूटान को सौंपा गया है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भूटान, ठीक है। रेल मंत्रालय की स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है ये बताना, ठीक है। रेल मंत्रालय की स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? तो उसका नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने केंद्रीय शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता के आयोग की स्थापना किया है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना किया गया CBIC के द्वारा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पुष्प कमल दहल प्रचंड को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? पुष्प कमल दहल प्रचंड को अगर हम बात करेंगे तो ये प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के, सी ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं,
उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 का प्रस्तावित बजट कितना है? तो उत्तर प्रदेश बजट जो है वो प्रस्तावित है 2023-24 में 6,90,242.43 करोड़ रुपए। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अब तक का सबसे बड़ा बजट है। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेला कितने करोड़ रुपए की बजट से प्रस्तावित किया गया है? तो ये प्रस्ताव किया गया है 2,500 करोड़ रुपए के बजट से, तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। तो इसमें अगर हम देखें प्रश्न नंबर 9 में, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है ये बताना है, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जगह स्थित है मध्य प्रदेश में, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है इसमें से? तो ये होता है संस्कृत मंत्रालय का, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ पर प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मेहरगढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुआ लहुरा देव, ठीक है, लहुरा देव, ये भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि प्राचीनतम साक्ष्य की बात कर रहे हैं, तो लहुरा देव हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें लहुरा देव बताया और ऊपर वाले भी क्वेश्चन मेहरगढ़ बताया गया, तो ये देख लीजिएगा कृषि प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए कहाँ पर प्राप्त हुए, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, डाउट में है, इसको देख लीजिएगा, मैं इसका कमेंट में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक पुरास्थल से जो है पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये कर्नाटक के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता, बाकी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा केंद्र बिंदु है जहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो तीनों जो सागर हैं कहाँ पर मिलते हैं? तो ये कन्याकुमारी में मिलते हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश कौन सा जिला 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है इसमें से? तो उस जिले का नाम है सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र हो जाएगा आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट है। 10 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करती है? तो 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार से अलग करती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी इनमें से? तो वह है अरावली पर्वत श्रेणी जो कि पाई जाती है राजस्थान में, तो ये सबसे पुरानी है, आंसर हो जाएगा सी डी ऑप्शन, ठीक है। कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है इनमें से? तो पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ी का नाम है नीलगिरी की पहाड़ी, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष नुमा का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में कितना होता है, ठीक है, फिर भी पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष नुमा का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में कितना होता है? तो पश्चिमी हिमालय में कम होता है, ठीक है, पूर्वी हिमालय की तुलना में, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के में स्थायी प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया है? तो वो 1853 का चार्टर अधिनियम था, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बताना इनमें से कि अंग्रेजी शिक्षा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव कहाँ से पड़ी, ठीक है। अब इस तरीके से दिया गया 1813 का चार्टर एक्ट है या फिर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद से। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो तीनों सही है, यहाँ से अंग्रेजी शिक्षा का पड़े, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। 1935 से गवर्नमेंट जो एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत भी है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1946 में अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा था कि कांग्रेस सभा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये चीज़ें कही गई थी ऑस्टिन के द्वारा, आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑस्टिन।
रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था किसके द्वारा पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये पारित हुआ था कब? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु जो है प्रावधान किया गया था? तो ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम से, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार वर्णित की जा सकती है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ मतलब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है, तो सी ऑप्शन किसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम किया था दादा भाई नौरोजी ने, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है? भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी देश के आर्थिक वृद्धि सर्वाधिक उपयुक्त माप है किसके माप है? तो सकल घरेलू उत्पाद का सर्वाधिक वृद्धि उपयुक्त माप होता है, तो ए ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं GDP। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के लिए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने समिति गठित की थी, और निम्नलिखित में से समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष बनाए गए थे सुरेश तेंदुलकर, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होता है उसका अर्थ क्या, मतलब इसका मतलब होता है? तो इसका मतलब श्रमिक की जो सीमांत उत्पादकता होती है वो शून्य होती है, तो उसको हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो होती है ये खगोलीय दूरी मापी जाती है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दूरी की इकाई होती है। एक एक जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या परिवर्तन होगा उसमें? तो जब पृथ्वी पर जब किसी पत्थर को लाया जाएगा, यहाँ पे पृथ्वी पर लाया जाएगा, तो इसके अगर हम देखा जाएगा तो इसके भार में जो है भार इसका बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान जो होगा, द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ का समान रहता है, तो द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, परंतु भार में इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी या कटौतरी जिस प्रकार से होगा, तो आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भार में बदलाव आएगा, भार में बदलाव जो होता है गुरुत्वीय त्वरण से आता है। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता, क्योंकि? क्यों नहीं सुन सकता? तो क्योंकि चंद्रमा पर क्या है कि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं है, इसलिए जो है नहीं सुन सकता, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस एक ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो लकड़ी में इनमें से बताना है कि लकड़ी में है या फिर 0 डिग्री वायु में है या फिर 100 डिग्री वायु में या फिर जल में, तो इनमें से लकड़ी में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है किससे मापी जाता है? तो भूकंपों की तीव्रता मापा जाता है जो है रिक्टर पैमाने पर, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। डेसीबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसीबल, तो डेसीबल से हम ध्वनि की तीव्रता मापते हैं वातावरण में, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? तो ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक कौन सा है? तो वो है पारा, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा किया गया था? गुलबदन बेगम ने किया था, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, 18वें शताब्दी में जो है लड़ी गए युद्धों का निम्नलिखित में से कालानुक्रम कौन सा युद्ध में से सही है? सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में अंबर का युद्ध हुआ था, और ये फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक नवाब अनुरुद्दीन के मध्य हुआ था। ठीक है, फिर हुआ सरपलासी का युद्ध 1757 में, और यह हुआ था अंग्रेज और बंगाल नवाब की सेना के मध्य। फिर इसके बाद हुआ वांडी कवास का युद्ध 1760 में, ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के मध्य। फिर इसके बाद हुआ 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज और मुगल और नवाब की सेनाओं के मध्य। तो इस तरीके से 1749, 1757, 1760, 1764, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहते हैं? पर्वतों का सागर की अगर हम बात करेंगे तो ये ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो पर्वत श्रेणी अन्य श्रेणी में से भिन्न है वो कौन सा है? तो अपलेशियन पर्वत जो है ये नवीनतम श्रेणी है, जो कहते हैं अपलेशियन पर्वत जो है पुरानी श्रृंखला है, और आल्पस एंडीज और हिमालय जो है नवीनतम श्रेणी है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो मूल अधिकार लिया गया है संयुक्त अमेरिका के संविधान से, तो सी ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है सोवियत संघ के संविधान से,
आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। अब ऑप्शन कुछ इस तरीके से इसमें दिया गया है, तो इसमें अगर भारत देश की अगर हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था को, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त सेन को नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था किस क्षेत्र में दिया गया था, तो इन्हें कल्याण अर्थशास्त्र में दिया गया था, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था, लैंड स्टीनर, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सार्वभौमिक रक्तदाता रक्त समूह कौन सा है, तो सार्वभौमिक रक्तदाता समूह होता है वो, ठीक है, वर्ग वो होता है, और रक्त समूह ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया, तो फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है ये दिया गया आलिया भट्ट को, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आलिया भट्ट। संकटग्रस्त भूटान से सॉरी संकटग्रस्त सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने हैं, तो भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है, तो उस अभियान का नाम है ऑपरेशन कावेरी, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया हाल ही में, यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, प्रकाश सिंह बादल थे पंजाब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहाँ किया, तो ये केरल राज्य में किया गया है, आंसर सी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस राज्य में वन पंचायत वन प्लेग्राउंड की शुरुआत किया गया, तो ये किया गया है केरल राज्य के ही द्वारा, आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट। कोप इंडिया 2023 के अंतर्गत भारत की अमेरिका की वायुसेना ने किस राज्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, तो कोप इंडिया होता है भारत की सेना के मध्य, भारत और अमेरिका की सेना के मध्य, और ये इस बार का 2023 का हुआ है पश्चिम बंगाल में, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है, तो सचिन तेंदुलकर के नाम से किया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। हाल ही में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन सी बनी है, ठीक है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है दीपिका मिश्रा। ठीक है, पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी बन गई हैं दीपिका मिश्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया कृषि मंत्रालय के द्वारा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कृषि मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, किस भारतीय को नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है संदीप सिंह, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन संदीप सिंह। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुनने जाने वाली भारतीय पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं, तो ये चुना गया है हरमनप्रीत कौर को, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर जो है किस शहर में लॉन्च किया है, ठीक है, तो एप्पल कंपनी के द्वारा अपना पहला स्टोर भारत के मुंबई शहर में लॉन्च किया गया है, आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है फिजी और पापुआ न्यू गिनी दोनों देश के द्वारा, तो उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आम महोत्सव का आयोजन हुआ है जो है लखनऊ में, आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक, अब लास्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 10, इसको बाद इसको हम एंड करते हैं बुक को। ठीक है, इसका हिंदी का पोर्शन हो चुका है, आप लोग चैनल पर जाइए, वहाँ पर हिंदी का पोर्शन कब मिल जाएगा वहाँ से कर सकते हैं। चलिए लास्ट प्रैक्टिस सेट का देखते हैं, पहला क्वेश्चन, मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले, वह स्थान कहाँ पर है, तो वह है आदमगढ़ में मिला है, आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो नर्मदा घाटी पर मिलता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी, तो ये नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ था, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो वो था जौ। ठीक है, जौ सर्वप्रथम पहले प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है, कैल्कोलिथिक कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ताम्रपाषाण युग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ मिलता है, तो हाथी दांत का पैमाना जो है ये लोथल में मिलता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे इनमें से, तो वो हो जाएगा वी ए स्मिथ नहीं थे, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है,
भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन कौन, मतलब कौन सा है शरतकालीन, मतलब कि सर्दियों में वर्षा कहाँ पर होता है, तो पंजाब और तमिलनाडु में होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है इनमें से, तो अम्लीय मिट्टी उपयुक्त होती है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य ठीक है कौन सा है और किस राज्य में स्थित है, तो गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है जो काजीरंगा नेशनल पार्क है और असम राज्य में स्थित है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कच्छ के रण गुजरात में, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस वन्य जीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित नहीं किया गया है, ठीक है नहीं किया गया ये पूछा गया, तो भिंडावास अभी बनाया गया वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है सुल्तानपुर वन्य जीव अभयारण्य, चोल झील वन्य जीव अभयारण्य, दांडेली वन्य जीव अभयारण्य को नहीं घोषित किया गया, बाकी सारे रामसर स्थल घोषित है। किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसमें से अगर देखेंगे उत्तराखंड में बाघों की संख्या सर्वाधिक है, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है वैसे देखा जाएगा ओवरऑल में तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ है। अगला प्रश्न, अफ्रीकी चीतों की पुनर्स्थापना के लिए पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने किस स्थान का इसमें से चयन नहीं किया है, तो नौरा देवी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश इसका चयन किया गया है, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान इसका भी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश इसका भी, लेकिन नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में जो इसका प्रयोग नहीं किया गया है पुनर्स्थापना में, इसका चयन नहीं किया गया चीतों के लिए, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, दिया गया है कि भारत के उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 के इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था, तो इल्बर्ट बिल जो था वो जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था और भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, ये इसका मकसद था, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में सूची एक से सूची दो को मिलान करना इसमें से, ठीक है नियंत्रण परिषद की स्थापना ये कहाँ पर किया गया है, मतलब किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो ये पिट का भारत अधिनियम 1784 में आया था उसके तहत हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था नियामक अधिनियम 1773 के तहत, ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो दिया गया तीसरा ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो है किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो ये चार्टर अधिनियम 1813 के तहत हुआ था। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो है चार्टर अधिनियम 1833 के तहत किया गया था, तो इस तरीके से ये हो जाएगा आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन भी हमें सूची में मिलान करना है, कुछ इस तरीके से दिया गया है, देखिए चार्टर एक्ट 1813 की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है क्या था, तो ये जो है चार्टर एक्ट 1813 जो था ये दो ऑप्शन हो जाएगा। भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था चार्टर एक्ट 1813 के तहत, ठीक है तो ये हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 आया था ये किसके तहत हुआ था, इसमें क्या होता है, तो इसमें हुआ था शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था, सॉरी ये नहीं होगा, ये तो 1858 के तहत हुआ था और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ था जो है कंपनी के निवेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्रकार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया था, तो ये हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, ठीक है ये चौथा। इसके बाद तीसरा जो है दिया गया एक्ट ऑफ 1858, तो इसके तहत हुआ था शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था, तो सी का थ्री हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की अगर हम बात करें तो इसके इसमें क्या था, तो इसमें था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करना, यह हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था, तो ये हुआ था चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के द्वारा, आंसर ये ऑप्शन करेक्ट है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य प्रचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति का वायसराय द्वारा कार्यकारी परिषद पर उसके प्राधिकार को और बल प्रदान किया था, तो ये हुआ था इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1861। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी इसमें से, तो इस गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो प्रदान किया था भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत प्रांतों में ध्वज शासन प्रणाली की अगर हम बात करेंगे तो किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया था, तो ये 1919 में लागू किया गया था। गोरखपुर रेलवे स्टेशन का रिकॉर्ड तोड़कर
श्री सिद्धू रुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन बन गया। ये जो है रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो ये रेलवे स्टेशन स्थित है कर्नाटक राज्य में, आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है कानपुर में, आंसर इसका हो जाएगा ये ऑप्शन। कृषि वित्त एवं पुनर्वित्त सबसे बड़ी संस्था कौन थी, तो वो है नाबार्ड, ठीक है। 1982 में इसकी स्थापना किया गया था नाबार्ड का। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाता है जाना जाता है, तो खाद्यान्न आपूर्ति से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन खाद्यान्न उत्पत्ति। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है इनमें से, तो वो हो जाएगा सहकारी कृषि, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। सिडबी, सिडबी जो है कि स्थापना की गई थी किसके लिए, तो सिडबी की स्थापना लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु किया गया था, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में कोर उद्योग क्या है, तो कोर उद्योग में आता है ये सभी, ठीक है, विद्युत कोयला पेट्रोलियम सभी कोर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। किसी पिंड का भार यानी किसी बॉडी का भार क्या होता है, तो किसी का बॉडी का भार ध्रुवों पर जो है सर्वाधिक होता है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं, तो वर्षा की बूंदें जो होती हैं गोलाकार होती हैं क्योंकि जल का पृष्ठ पर तनाव होता है, ठीक है, जल पृष्ठ पर तनाव होता है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वो कुछ ऊपर उठ जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से पकता है क्योंकि, तो प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी से पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते ताप पानी का ताप जो है बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर का, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। पानी जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तैरता है, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होगा, तो शरीर जो होगा वो डूब जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलन दिया गया है, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध दिया गया है जो कि दिया गया हैदर अली पराजित हुआ था, तो जो कि गलत है, इसमें हैदर अली जीता था जो कि 1767 से 1769 तक हुआ था। दूसरा आंगल मैसूर युद्ध हुआ था हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, अभी गलत है, इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, और यह हुआ था 1780 से 1784 के में। तीसरा आंगल मैसूर हुआ था, टीपू सुल्तान जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, तो यह गलत है, टीपू सुल्तान इसमें हार गया था और आधा राज्य देना पड़ा था टीपू को, और ये 1790 से 1792 के मध्य हुआ था। चौथा आंगल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू पराजित हुआ और टीपू को मृत्यु हो गई थी 1798 से 1799, तो आंसर यही हो जाएगा डी ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत थे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह जो प्रचलित था ये कहाँ पर प्रचलित था, तो दक्षिण भारत में प्रचलित था, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई है 5 किलोमीटर यानी कि 5000 मीटर इसकी ऊंचाई है औसत ऊंचाई, ठीक है। पठार की स्थलाकृति जो आदर्श है वो किसके लिए होता है, तो खनन के लिए होता है, आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा खनन के लिए। राज्यसभा के गठन की प्रतिभा अनुभव सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण में से प्रभावित हुए थे, तो आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे, तो आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिलान करना है, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान से लिया गया, ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे शासन की संसदीय प्रणाली, तो यूके से लिया गया। आपात जो इमरजेंसी है ये लिया गया जर्मनी के संविधान से, और राज्य के नीति निदेशक तत्व की अगर हम बात करेंगे तो ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से, तो इस तरीके से इसमें मिलान करना आया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। गांधी जी को खादी को किसका प्रतीक मानते हैं, गांधी जी तो खादी को प्रतीक की अगर हम बात करेंगे तो गांधी जी मानते थे आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः किसी वस्तु की मांग अथवा आवश्यकता पर किस पर निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है क्रय की इच्छा और आवश्यकता पर, आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है। वर्ग ए बी रक्त वाला जो है किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या है, तो जिसका रक्त कोई भी वर्ग हो तो सभी ले सकता है, तो ए बी डी ऑप्शन इसे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सर्वग्राही होता है, सॉरी सर्वदाता होता है, सर्वदाता वो होता है सर्वग्राही, ए बी होता है सभी का ले सकता है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो एंटीबॉडी का निर्मित होता है लिम्फोसाइट के द्वारा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञात सौओं की पहचान के लिए डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो वो बना हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे ऊँची प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किस राज्य में किया गया, तो ये किया गया तेलंगाना में, ठीक है, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे पहली बार 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है,
तो बेंगलुरु में किया जा रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में एडीआर द्वारा जारी रिपोर्ट में देश में कम से कम सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल की, इनकी सबसे कम संपत्ति है। ठीक है। हाल ही में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान किया, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं, तो टोटल अब 6 हो गए हैं। डी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 6। ठीक है। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने जो है राष्ट्रपति द्रौपदी ने भारोक्स ऐप को लॉन्च किया है, इसका संबंध किससे है, तो भारोक्स का संबंध जो है यह महिला सुरक्षा से संबंधित है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किए गए टाइगर सेशंस 2022 के अनुसार बाघों की संख्या अब कितनी होगी, तो 3167 टोटल अब हो गया है 2022 के अनुसार, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नासा ने मून टू मार्स प्रोग्राम पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया है अमित क्षत्रिय को, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में नागालैंड में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन चुनी गई हैं, तो ये हेकानी जोखालू और सालोनू होनू, ये दोनों हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट ए व बी दोनों। एक्सरसाइज डस्टलिक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है, तो ये हुआ है उज्बेकिस्तान के मध्य, तो आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 2022 के फीफा वर्ल्ड किस खिलाड़ी को जो है बेस्ट मेन्स फुटबॉलर का अवार्ड प्रदान किया गया, तो ये लियोनल मेसी को दिया गया, अर्जेंटीना के कैप्टन, तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। 2023 के मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है हरि बालकृष्णन, आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट। महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 किसके द्वारा जीता गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है। जनवरी 2023 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम किस शहर में विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज का उद्घाटन किया है, तो वो शहर का नाम है वाराणसी शहर से उद्घाटन हुआ है, रामविलास नाम है उसका परियोजना का नाम, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धन्नीपुर मस्जिद ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है अयोध्या में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। और ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।